अष्टो दर्शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदरशत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महात्मा। कहते ये भागवत कथा की इतने महत्व है, जिस कथा को सुनने के लिए स्वर्ग से देवता लोग भी कथा सुनने आते हैं। कहते स्वर्ग की बात छोड़ दो, अगर ब्रह्मा जी को पता चले कहीं भागवत कथा हो रही है, ब्रह्मा भी ब्रह्म लोक को छोड़ करके कथा सुनने आते हैं। बोले ब्रह्मा जी की बात छोड़ो, अगर कहीं शंकर पार्वती को अगर कहीं पता चले कथा हो रही है, ये शंकर पार्वती भी कैलाश छोड़ करके कथा सुनने आते हैं। कहते ब्रह्म लोक की कैलाश लोक की बात छोड़ो, स्वयं हनुमान जी स्वयं गरुड़ जी ये वैकुंठ छोड़ करके भी ये भागवत कथा सुनने इसी मर्त्य जगत में आते हैं। इसलिए ये जो मर्त्य जगत है, विशेष करके मर्त्य जगत में जो भारत भूमि है उसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व ये भारत भूमि का। इसलिए देवता लोग भी तरसते हैं भारत भूमि में हिंदू घर में जन्म ग्रहण करके भगवान की भक्ति करने के लिए ये देवता लोग भी तरसते हैं। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कहते धुंधुकर जैसे पापी जिसको गया में पिंड देने पर भी मुक्ति नहीं मिली, कहते एक बार क्यों मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो तभी मेरे को मुक्ति नहीं मिली, ये धुंधुकर कहता है। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिली कैसे? बोले भागवत कथा से। तात्पर्य यह है जितने बड़े से बड़े पापी क्यों नहीं हो, कहते एक बार आए और ये भागवत कथा में केवल बैठ गए, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल कथा ही सुन। कहते कथा सुनते सुनते ये भागवत कथा की इतने महत्व है, उससे भी मुक्ति प्रदान करती है ये श्रीमद् भागवत कथा। एक बार भागवत कथा की जयकार दो। बोले श्रीमद् भागवत कथा अमृतम की, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की। अभी श्री टीकाकार लोग कहते हैं भैया भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है, ये कथा को कौन सुन सकते हैं? अगर कोई बोले अरे हम तो बहुत बड़े विद्वान हैं, हमने सारे गीता रामायण पुराण वेद हमने सब पढ़ चुका है, हमें ये कथा बता सुनने का कोई मतलब नहीं। लेकिन गोस्वामी कहते नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी ये गर्भ से ही ब्रह्मज्ञानी और ये जन्म होते ही सब कुछ छोड़ करके ये ब्रह्म में लीन हुए थे। लेकिन ये भागवत कथा की इतने महत्व, जब सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मज्ञानी की कानों में एक बार ये एक श्लोक केवल इनकी कानों में पड़ गया, सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्मज्ञानी सब कुछ छोड़ करके इन्होंने ये भागवत कथा सुनी। इसलिए कहते ज्ञानी से ज्ञानी क्यों नहीं हो ये कथा को सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बोले राम कथा जे सोना ता अघाई, राम कथा जे सोना ता अघाई, कृष्ण कथा जे सोना ता अघाई, कृष्ण कथा जे सोना ता
गोस्वामी जी कहते हैं, अगर कोई बोले अरे सुनी सुनाई कथा तो कितने सुनेंगे, हमने बहुत बार सुन चुका, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं राम कथा जई सुनत अघाई। प्रभु की कथा सुनते सुनते अगर कोई बोलते हैं अरे हम तो बोर हो गए हैं, कहते रस विशेष जानत तिन नाही, ये समझो रस क्या चीज होता है वो नहीं जानता है। अगर एक टाइम में हमें रोटी नहीं मिले ना, हाय रोटी दिन भर रोटी का मुंह ही नहीं देखा, हम कहते हैं भैया अगर रोटी में इतना आनंद हो सकता है, क्या प्रभु की कथा में आनंद नहीं है? प्रभु की कथा में आनंद नहीं है? इसलिए एक संत हमारी संप्रदाय में कहते हैं, बोले तुंडे तांडव निहित वितनुते तुंडा बलि लब्धै कर्णा करो कड़मिनी घटयते कर्णा भुदेव स्प्रिया चेत प्रांगण संगिनि रचयते सर्वेन्द्रियाणां कृते नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्णेति वर्णदोय। कहते श्री एक संत कहते हैं भैया जो कृष्ण ये जो राम इसमें केवल ये दो अक्षर है, लेकिन ये दो अक्षर में परमात्मा ने कितने रस भर दिया ये दो अक्षर में। जब ये दो अक्षर ये कान में प्रवेश करता है ऐसे लगता है ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना आता ही नहीं, ब्रह्मा जी को तो सृष्टि करना नहीं आता, केवल ये दो अक्षर में इतने आनंद है। कहते ब्रह्मा जी हमें करोड़ों करोड़ों कान क्यों नहीं दिया? कहते ये जीवा में जब ठाकुर का नाम उच्चारण होता है, बोले तुंडे तांडव निभित वितनुते तुंडा बलि लब्धै, कहते भैया हमें ये अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिया? कृष्ण नाम करने के लिए एक जीवा क्यों दिया, अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिया? जब हृदय में ठाकुर जी का नाम हृदय में प्रवेश करता है ऐसे लगता है मानो रस की धार बरस रही है हृदय में, ऐसे भगवान की नाम है, ऐसे भगवान की कथा है। इसलिए कथा का सबसे बड़े जो श्रोता है ना श्री हनुमत लाल जी। अब देखना कहीं भी प्रभु राम की कथा होगा ना सबसे पहले हनुमान जी का तस्वीर लगेगा, कथा से सबसे पहले श्री हनुमान जी कथा में आते हैं। और कथा सुनने का नियम क्या है, ऐसे नहीं आए और बैठ गए, नहीं, कथा सुनने का नियम है आकर के जिस स्थान पर कथा हो रही है सबसे पहले वो स्थान को प्रणाम करो। देखो ये वही पार्क है, कभी कोई आकर के यहाँ पेशाब करता होगा पायखाना करता होगा, कोई जूता लेकर के यहाँ घूमता हुआ होगा, लेकिन ये देखो जब से कथा हो रही है कोई जूता लेकर के अंदर में आ रहा है, कोई आ रहा है? कोई नहीं यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान की कथा हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ पर ये भागवत कथा हो सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रा जथा चुतादर कथा प्रसंग, बोले जहाँ पर ये भगवान की कथा होती है कहते सर्वाणि तीर्थानि बसंति तत्रा। देखो ध्यान देकर सुनो श्री सुत गोस्वामी क्या कहते हैं, जहाँ पर भगवान की कथा हो पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ आकर के वहीं पर बैठते हैं। आपको पता है पृथ्वी में कितना तीर्थ है, आपको पता है? बताओ तो पृथ्वी में कितना तीर्थ है? कहते 6 अरब। कितने तीर्थ है? 6 अरब तीर्थ है। कहते जहाँ पर ये भागवत कथा हो कहते वहां पर 6 अरब तीर्थ आकर के वहीं पर बैठ जाते हैं। आप लोग कथा कल श्रवण कर रहे थे, जब श्री चतुष्ण कथा करेंगे ये पता चला
सबसे पहले ब्रह्म लोक से जितने परास और वशिष्ठ व्यास ये जितने ऋषि मुनि ब्रह्म लोक से उतर करके आए, स्वर्ग लोक से जितने देवता उतर करके आए, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिया द्वारावती केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री गया गंगा प्रभास पुष्कर, ये जितने सारे तीर्थ है, जब श्री चतुसन कथा करेंगे ये पता चला ये सारे तीर्थ दौड़ दौड़ कर कथा सुनने के लिए आए। इसलिए यहाँ पर सुतो गोस्वामी कहते हैं सर्वाणी तीर्थानी बसंती तत्रा, कहते पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वो सब के सब वहीं पर आकर के विराजते हैं। बोले जथा चुतादर कथा प्रसंग, जहां पर भगवान की कथा हो रही है, जहां पर ये कथा हो रही है, जो लोग ये कथा रूपी गंगा में स्नान करते हैं, कहते मानो आप बैठ बैठ करके यहाँ पर सारे तीर्थ में बैठ बैठ करके स्नान कर लिया, सारे तीर्थ में स्नान कर लिया, बल्कि उससे ज्यादा महत्व है। जैसे आप तीर्थ में जाओ, आप लोग हर की पौड़ी में गए हो, हरिद्वार के हर की पौड़ी में कौन कौन स्नान के हाथ उठाओ तो देखना, वहां पर जब जाओगे वहां पर लिखा हुआ सावधान, अंदर में गहरा पानी है, अंदर में ज्यादा मत जाओ। अगर थोड़ी सी हर की पौड़ी के अंदर में ज्यादा जाओ ना, अगर गंगा में गोता लगाओ तो पूरा भर जाओगे, डूबकर मर जाओगे, आप डूब करके मर जाओगे। लेकिन आपको कभी किसी ने सुना है कथा रूपी गंगा में ज्यादा गोता मत लगाओ? कोई बोलते हैं, वो कहते हैं जितना गोता लगा सकते हैं गोता लगाओ, अगर कथा रूपी गंगा में अगर गोता लगाओ ना तर जाओगे, मरोगे नहीं, क्या हो जाएगा तुम, तर जाओगे। इसलिए साधारण गंगा में स्नान करने से थोड़ी सी पाप दूर होता और कुछ नहीं, फिर घर में आकर के फिर वही गंदा काम करना शुरू कर देंगे, फिर उल्टा पुल्टा झूठ बोलना बेईमानी करना शराब पीना गुटखा खाना उल्टा पुल्टा फिर काम करोगे। लेकिन कथा रूपी गंगा में अगर कोई स्नान करेगा तो भैया ऊपर में तो सांप हो ही जाएगा, अंदर तक भी धूल जाती है, अंदर तक भी पवित्र हो जाती है ये कथा रूपी गंगा में जो स्नान करता है। इसलिए तीर्थ से स्नान करने से ज्यादा महत्व है जो कथा रूपी गंगा में स्नान करोगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए यहाँ पर बताए कथा कौन सुन सकते हैं, बोले ज्ञानी से ज्ञानी अगर कथा सुन सकते हैं उन्हें भी कथा कल्याण करती है, और पापी से अगर पापी क्यों नहीं हो वो भी कथा में स्नान कर सकते हैं। कथा सुनने का सब अधिकारी, सबके सब अधिकारी कथा श्रवण करने का। इसलिए गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत कथा की महिमा, और कल मैंने एक बात बताई थी श्रोता दो तरह के, कितने तरह के श्रोता हैं, एक बढ़िया श्रोता और एक घटिया श्रोता, और जो बढ़िया श्रोता चार तरह के, कितने तरह के कोई बता सकते हो, कौन बताएगा बता, जो बोलेगा उसमें इनाम दूंगा। बोले वो चार बढ़िया श्रोता है उसमें एक एक इनाम बताओ। हाँ 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 चातक, ठीक है, धन्यवाद है आपको, इनके लिए जोरदार ताली हो जाओ, अच्छी बात है। इसलिए जो श्रेष्ठ श्रोता वो चार तरह के, पहला नंबर हंस है, जैसे हंस को पानी दो दूध दो, हंस दूध दूध को तो पी लेगा और पानी पानी को छोड़ देता है। तात्पर्य यह है कथा में केवल सार को ग्रहण करो, असार को हमें छोड़ देनी चाहिए। दूसरा नंबर है मधुमक्खी, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी कहाँ बैठता है, गंदी चीज में बैठता है, और मधुमक्खी कहाँ बैठता है, फूलों के ऊपर में,
और वहां से शहद को लेकर के एक मधुमक्खी छत्ता बना देती है जिसमें ठाकुर जी की सेवा होता है। तीसरा नंबर है मछली। मछली का क्या गुण है? मछली का आंखों का पलक कभी नहीं झपती है। कहते कथा कैसे सुननी चाहिए? आंख खोल करके, आंख बंद करके नहीं, एकदम टकटक लगा करके कथा सुननी चाहिए। कथा की एक शब्द हमसे चूक नहीं जाए। चौथा नंबर चातक। ये चातक को साथ में क्यों उदाहरण दिया? ये चातक ऐसे के चिड़िया हैं, वो किसी नदी का पानी पिएगा नहीं, किसी तालाब का पानी नहीं पीता है, वो केवल स्वाधि नक्षत्र का ही पानी पीता है। मतलब है कथा सुनेंगे तो ठाकुर ही की कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं बैठ करके सारा दुनिया की चुगली निंदा सारा दुनिया की उल्टा पुल्टा बात को सुनते रहे। नहीं, सुनेंगे तो ठाकुर की ही कथा, ठाकुर की ही नाम सुनेंगे। इसलिए चार तरह का श्रेष्ठ श्रोता है, बोले और तीन तरह का श्रोता है। एक है श्रोता और एक है श्रोता और एक है सरोता, इसको भी याद रख लेना। इसलिए एक नंबर होता है श्रोता। श्रोता मतलब जो सही सही कथा को सुने और अपना जीवन में अच्छे चीज को उतारे, यदि ये सही श्रोता है। दूसरा नंबर है श्रोता। श्रोता मतलब होता है वो देख देख करके बैठते हैं कहाँ बैठने पर बढ़िया नींद आएगा, इसलिए इनको कहते ये श्रोता है। और तीसरा नंबर है श्रोता। बोले श्रोता मतलब क्या होता है? कहते जो कथा सुनने नहीं आते हैं वो आते हैं दोष देखने के लिए, वो आते हैं दोष देखने के लिए आते हैं। बोले कि भैया यहाँ केले का पेड़ ही नहीं लगाया, यहाँ पर तो नवग्रह की पूजा ही नहीं की, यहाँ तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहाँ हैं। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि बोले दोष ढूंढने में नहीं, हमें मधुमक्खी होनी चाहिए, हमें मक्खी नहीं होनी चाहिए, हमें मधुमक्खी बनकर कथा सुननी चाहिए। हमें जीवन में सार वस्तु को उतारो, असार चीज को प्रति नजर हमें नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसे अगर हम कथा सुनेंगे तो ये भागवत हमें फिर क्या प्रदान करता है? भगवत प्रेम, भगवत भक्ति और भगवत रस को ये भागवत हमें प्रदान करती है। इसलिए कल हम लोगों ने जो कथा सुनी थी वो पद्म पुराण की महिमा था। आज हम लोग श्रवण करेंगे ये स्कंध पुराण में भी भागवत की महिमा बताएं। बोले जिस समय भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके ठाकुर जी चले गए, माता कुंती को जब पता चला भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, कुंती ने देखा जब कृष्ण ही चले गए फिर ये जीवन धारण करके क्या लाभ है। इसलिए माता कुंती उसी समय में ही वो भी ये दुनिया को छोड़ दी। ये दुनिया को शिक्षा देती है माँ कुंती, देखो तभी ये जीवन का धारण करो जब ये जीवन में भगवान की भक्ति हो। अगर ये जीवन में प्रभु की भजन हो रहा है तभी ये जीवन धारण करनी चाहिए। अगर ये जीवन में प्रभु का भक्ति नहीं होता है भैया जिंदा रहना कोई मतलब नहीं, जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, रहना मर जाना बराबर है। जब पंच पांडवों को ये बात पता चला भगवान कृष्ण संसार छोड़कर चले गए, वो भी श्री परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राज सिंहासन में अभिषेक करके और वृंदावन का राजा श्री बज्रनाभ को बना करके वो भी संसार से चले गए। एक दिन परीक्षित महाराज वृंदावन में बज्रनाभ से मिलने के लिए आए। बोले बज्रनाभ ये बताओ सब कुशल मंगल है ना? बोले हाँ आपका आशीर्वाद से सब कुशल मंगल तो है, लेकिन ये मन बड़ा उदास है। बोले क्यों? बोले कोई वृंदावन है ही नहीं। जैसे भगवान राम गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
गोपाल जय 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 गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय राधा रानी की जय महारानी की 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 जय गिरिधारी की जय वनवासी कुंज बिहारी जय 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 भोल कुंज बिहारी जय 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 राधा रानी जय महारानी जय राधा रानी जय महारानी जय ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे भले सब ठीक ठाक तो है लेकिन मन बड़ा उदास है जैसे भगवान राम जब ये मर्त्य जगत छोड़ करके वो वैकुंठ जगत में गए अब लोग रामायण देखे होंगे संपूर्ण अयोध्या वासियों को ठाकुर जी लेकर गए उसी तरह जब भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके गए संपूर्ण वृंदावन वासियों को लेकर गए वहां तक भी कोई पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी वहां नहीं थे ठाकुर सबके सब को लेकर ठाकुर चले गए बोले वृंदावन में कोई है ही नहीं इसलिए मन बड़ा उदास ही है इसलिए मन में शांति नहीं लेकिन श्री परीक्षित महाराज को पता है कृष्ण खुद कहते हैं मैं ये वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं नहीं जाता मैं वृंदावन में नित्य ही निवास करता हूँ कहते ये रहस्य किसको पता है बोले श्री सांडिल्य ऋषि को बोले ये सांडिल्य कौन है बोले नंद बाबा की पुरोहित ये सांडिल्य है ये पुरोहित है तब परीक्षित महाराज ने श्री सांडिल्य ऋषि को बुलाए बोले हे सांडिल्य ऋषि आप कृपा करके ये परीक्षित ये श्री बज्रनाभ को थोड़ी सी ये वृंदावन की कथा सुनाओ ये वृंदावन है क्या चीज तब श्री सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो परीक्षित बज्रनाभ कहते भगवान की दो तरह का लीला है कितने तरह का लीला है कहते दो तरह का लीला है बोले क्या क्या है बोले एक इनकी वास्तविक लीला है और इनकी एक व्यवहार की लीला है जो व्यवहार की लीला है साधारण रूप में भगवान राम अयोध्या छोड़कर गए साधारण रूप में कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए कहते ये साधारण रूप में है लेकिन अगर विशेष रूप में देखो तो कृष्ण वृंदावन छोड़कर कहीं गए ही नहीं आप लोग वृंदावन में गए हो कौन कौन वृंदावन गए हो हाथ उठाओ तो देखना वृंदावन में दो वन है एक निधु वन और एक निकुंज वन गए कि नहीं ये दो वन में गए हो आप देखना ये दोनों वन में दिन में तो बड़े बहुत बंदर है वहां तो चश्मा पहन करके जा ही नहीं सकते हो उतार करके ले जाएंगे बड़े बड़े बंदर देखोगे लेकिन कभी अगर सौभाग्य हुआ शाम का समय में रहना देखना शाम होते ही ये बंदर को किसको भगाने की जरूरत नहीं ये बंदर अपने आप जंगल से भाग जाएंगे अपनी आप ये बड़ा आश्चर्य की घटना है और ये दो मंदिर में ठाकुर जी को फूल की सज्जा लगाते हैं लोटे में पानी रख लेंगे लड्डू और दांतुन रख लेते हैं कभी अगर सौभाग्य होगा सवेरे मंगल आरती में एक बार जा करके दर्शन करना जो फूल सज्जा लगती हैं ऐसे लगेगा सवेरे आप जा करके देखोगे वो मंदिर के पास में अपना मंदिर है हम बहुत बार गए हैं ऐसे लगता है वो फूल सज्जा के ऊपर में कोई रात में आकर के लेट करके गए
कभी लड्डू मिलेगा नहीं, कभी लोटे में पानी नहीं मिलेगा वहां पर। अगर कोई सोचे जोर जबरदस्ती हम दिखना चाहता हूँ, ठाकुर जी क्या करते हैं, अगर कोई जोर जबरदस्ती अगर छुप करके रह जाएगा ना, वो गूंगा बन जाएगा, नहीं तो शरीर ही छोड़ देगा। मैं अपना जीवन में दो घटना देखा है, एक व्यक्ति को मरते हुए मैंने स्वयं देखा और एक को देखा गूंगा बनते हुए, अपना आंखों से मैंने देखा है। ये कलयुग में जिसको विश्वास नहीं होता है भगवान है कि नहीं, एक बार जाओ वृंदावन में और एक बार ये जंगल में रह करके देख ले, फिर तो आपको पता चल जाएगा ठाकुर है क्या नहीं, क्या है कि नहीं, आपको अपने आप पता चल जाएगा, फिर बोलने का जरूरत नहीं है आपको। इसलिए अभी भी ठाकुर जी पूर्ण रूप में अभी भी ठाकुर जी वहां लीला कर रहे हैं। ये सांडिल ऋषि ये बात बता रहे हैं, कहते भैया ये चीज को कौन देख सकता है, बोले सभी नहीं देख सकते हैं। सभी नहीं देख सकते हैं, वो कहते हैं जिन्होंने अपना आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगाए, लेकिन हमारे आंखों में क्या है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, इन्हीं आंखों से ठाकुर जी नहीं दर्शन देते हैं। इसलिए ब्रह्मा कहते हैं बोले प्रेमा जन छुरित भक्ति बिलोचनेन संतः सदैव हृदयसो विलोकयम् तम् जम श्याम सुंदरम चिंत गुण स्वरूपम गोविंदं मादि पुरुषम तमहं भयामि। ये पितामह ब्रह्मा जी ये बात को कहते हैं बोले प्रेमांजन छुरित भक्ति बिलोचने, कहते जिन्होंने अपना आंखों में प्रेम रूपी काजल को जिन्होंने लगाया है, बोले कौन, बोले संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्तम्। जो संत हैं हर समय ठाकुर जी को दर्शन करते रहते हैं। वृंदावन में बड़े बड़े संत हुए हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का बड़े बड़े भक्त हुए हैं, ये तो ठाकुर को साथ में डायरेक्ट बात करते थे। हम लोग बांके भी हैं, दर्शन किए हो, अब देखे होंगे, देखना जो परिक्रमा मार्ग में जाओगे, जब बांके बिहारी में प्रवेश करोगे उसको सीधा हाथ में देखना, बहुत बड़ा एक मंदिर देखोगे, बहुत बड़ी मंदिर। उसी मंदिर में एक संत रहते थे जिनका नाम था श्री सनातन गोस्वामी। ये तो ठाकुर जी से साक्षात बात करते थे, ठाकुर जी इसको पास में बोलते थे देखो मेरे को थोड़ा नमक दे दो, क्यों, वो बाबा जो खाते थे वही ठाकुर को भोग लगाते थे, बिना नमक के टिकिया, टिकिया जानते हो, आटा को गोल करके आग में सेक करके खा लेते थे बगैर नमक के। ठाकुर बोलते थे तू सब्जी तो देता ही नहीं, अरे थोड़ा नमक तो दे दिया करो। वो संत कहते थे बोले आज बोलोगे नमक दो, कल बोलोगे थोड़ा सब्जी ले आओ, परसों बोलोगे थोड़ा दूध लाओ, तरसों बोलोगे थोड़ा राबड़ी लाओ। भैया हम तो संत आदमी कहाँ से लाएंगे, हम तो किसी तरह थोड़ा चून मांग करके किसी तरह से पानी में घोल करके पी करके भजन करता हूँ। इसलिए तेरे पिताजी का नल ला गया थी तब भी तेरा पेट नहीं भरता था, तो गोपियों के घर में मक्खन चोरी चोरी करके खाता था, इसलिए भैया तेरा पेट मैं नहीं भर सकता हूँ, खाना तो अपने आप व्यवस्था करते, मेरे से नहीं होगा। ठाकुर डायरेक्टली से बात करते थे, ठाकुर जी इतने बड़े ये संत हुए हैं, ठाकुर बात करते थे। कभी ठाकुर जी इनके लिए खीर भी बना करके दे कर गए, राधा रानी स्वयं इनके खीर बनाए। वृंदावन में के संत हुए हैं, कभी आप वृंदावन जाओगे पूछना झाड़ू मंडल कहाँ पर। एक संत जब भजन करने के लिए आए अपना गुरु जी को पास में गए, गुरु जी ने कहा देख बेटा जब तक सेवा नहीं करोगे ना तब तक मेवा नहीं मिलेगा, जाओ ये सेवा कुंज में अभी भी श्री किशोरी जी अभी भी रास करती है, जाओ झाड़ू लगाओ। वो बाबा रोज रो रो करके राधा रानी के नाम को ले लेकर के रो रो करके झाड़ू लगाते थे, बोले हे किशोरी जी कब हमारे ऊपर में तुम्हारी कृपा होगी, कब हमें दर्शन दोगे। कभी ब्रज रज में लौट पोट खाते थे, झाड़ू लगाते थे, राधा रानी स्वयं दर्शन देने का बहाना से अपना चरण की नुपुर छोड़ करके जाती हैं। वो संत झाड़ू लगाते लगाते राधा जी की चरण की सोने की नुपुर उनको मिला,
उन्होंने अपना गुरुजी को दिखाया, बोले गुरुजी ये घनाघोर जंगल में ये सोने की नूपुर हमें मिला। उनको गुरुजी राधा रानी की एक दासी थी, एक सखी थी, वो तो नूपुर को देख रही पहचानी गई। बोले देख बेटा ये राधा रानी तेरे को दर्शन देने के लिए बहाना बनाए, कोई मांगने के लिए आए ना, देना नहीं, बोलना जिनकी चरण के नूपुर वो स्वयं आए। इतने में ललिता विशाखा नूपुर देने के लिए आए, बोले बाबा बाबा हमारी घर की बहू यहाँ पर फूल चयन करने आई थी, उनकी चरण की नूपुर कहीं घूम गया, मिला किया? बोले मिला है। बोले दे दो। बोले जिनका चरण की नूपुर वो स्वयं आए, वो स्वयं आए, मैं अपना हाथों में पहनाऊंगा। तो वो परीक्षा कर रहे थे, बोले बाबा तू कैसे संत हो, वो हमारी घर की बहू है, तेरे को शर्म नहीं? राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। बोले बाबा तू कैसे संत हो, वो हमारी घर की बहू है, और तू संत हो करके हमारी घर की बहू के पैर में नुपुर पहनना चाहते हो, अगर देना तो दे दो, नहीं तो भैया को बुला कर लाएगी, फिर अभी तेरे को पिटाई होगी। बोले जो कुछ बोलना बोल दो, मेरे गुरु जी तो स्वयं बोले राधा जी की चरण में नूपुर पहनाना। तब राधा रानी स्वयं वहां पर आती हैं, ये संत उनकी चरण में नूपुर पहना, इसलिए अभी भी वो स्थान का नाम झाड़ू मंडल है, जहां पर वो झाड़ू लगाते लगाते राधा रानी की चरण की नूपुर उनको मिली। राधा रानी स्वयं वो जो तिलक लगाए थे वो नूपुर से उनको तिलक को बीच में उन्होंने एक तिलक लगा दिया। अभी भी वृंदावन में एक राधा श्याम सुंदर मंदिर है, कभी जाओ तो दर्शन करने के लिए जाना, देखना वो ठाकुर जी को राधा रानी अपना हृदय से निकाल करके वो संतों को दिया था, वो ठाकुर का नाम राधा श्याम सुंदर है। आप देखोगे तिलक को बीच में अभी भी ये ठाकुर जी जो राधा रानी अपना नूपुर से उनको तिलक पहनाया था, अभी भी कृष्ण वो तिलक धारण करते हैं, भगवान भी वो तिलक धारण करते हैं, इसलिए बड़ी महिमा है। इसलिए सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो अभी भगवान कहीं गए नहीं, अभी भी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में विद्यमान है, लेकिन उनको दर्शन करने के लिए साधन भजन की जरूरत है। प्रेम हृदय में आए तो ठाकुर जरूर उसको दर्शन देते हैं, इसलिए कि भजन कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, उसको बाद में बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, बोले मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं, कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम नचाते नहीं, भगवान सब कुछ करते हैं, ठाकुर जी क्या नहीं करते भक्तों के लिए। इसलिए सांडिल्य ऋषि ने कहा देखो वज्रनाभ कृष्ण कहीं भी नहीं गए, अभी कृष्ण पूर्ण रूप में वृंदावन में, लेकिन उनको दर्शन कैसे मिलेगा? बोले सेवा करो। बोले क्या सेवा करे? बोले धीरे धीरे ठाकुर तो चले गए, अभी ठाकुर जी का जो लीला स्थली अभी धीरे 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 ये अंतर ध्यान होते जा रहा है, ये लुप्त तो होते जा रहा है, तुम एक काम करो ये वृंदावन भूमि को पुनः उद्धार करो, जैसे भविष्य में जो लोग आएंगे कम से कम उनको पता चले भैया गिरिराज गोवर्धन कहाँ है, ये नंदगाम कहाँ है, ये बरसाना कहाँ है,
और ये गिरिराज गोवर्धन कहाँ है, ये यमुना नदी कहाँ है, ये निधुवन निकुंज वन कहाँ है, कम से कम लोगों को ये बात तो पता चले। इसलिए तुम पुनः ये ब्रज भूमि को प्रकाशित करो और तुम ठाकुर जी को प्रकाशित करो। तब तो उन्होंने आदेश को पा करके उन्होंने पुनः श्री ब्रज भूमि को उन्होंने पुनः प्रकाशित किया, जिसको अभी हम लोग बांके बिहारी, राधा वल्लभ, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन की जो ठाकुर को दर्शन करते हैं, श्री बज्रनाभ की कृपा है अभी हम ठाकुर जी को दर्शन कर पा रहे हैं। और जो 84 ब्रज मंडल हम जो दर्शन करते हैं, ये बज्रनाभ ने पुनः ये चार धाम पूरा ब्रज धाम उन्होंने प्रकाशित किया है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक भजन गाओ श्री राधे। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ी कई कावर लारी, ओ मिलेंगे बांके बिहारी, आप लोग ऐसे बैठे रहोगे ना तो ठाकुर जी तो क्या आपके पड़ोसी भी मिलने नहीं आएंगे आपसे। आइए जिनको मन से वृंदावन चलना है दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते, इनको नाचना आता है नाच करके ठाकुर को ले जाएंगे, नाचना नहीं आता बैठे बैठे ताली सेवा करेंगे। Yeah.
Hapur,
एक समय जब भगवान कृष्ण ये दुनिया छोड़ करके चले गए, जितने कृष्ण के महिषी आए बड़े दुखी है, लेकिन देखा जो कालिंदी जो यमुना बड़ी प्रसन्न है। महिषी ने पूछा, कालिंदी क्या तेरे को कृष्ण विरह नहीं है? बोले देखो, राधा रानी से की कृपा से मेरे को अनुभूति है, कृष्ण कभी वृंदावन छोड़कर गए नहीं, कृष्ण तो वृंदावन में विद्यमान है। बोले ये किसकी कृपा से पता चलेगा? बोले राधा रानी की कृपा से। बोले चलो हम सबके सब श्री राधा रानी की शरण में जाते हैं, सबके सब श्री राधा रानी की शरण में सबके सब गए। जब शरण में गए, इतने में बोले भैया ये रहस्य कौन बोल सकता है? बोले श्री उद्धव जी, क्योंकि कृष्ण उद्धव जी को ब्रज में भेज करके ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की थी। बोले भैया उद्धव जी कहाँ मिलेंगे? बोले अभी भी श्री गिरिराज तलहटी में अभी भी उद्धव जी घास बन करके तपस्या कर रहे हैं। आप लोग गोवर्धन परिक्रमा लगाए हो? कौन कौन गोवर्धन परिक्रमा लगाए? देखना ठीक, राधा कुंड श्याम कुंड से पहले ये उद्धव कुंड आता है, देखेगी नहीं? अभी भी उद्धव जी घास बन करके अभी भी वही विद्यमान है। बोले चलो हम सबके सब चलते हैं। सबके सब वहां पर गए, बड़ी जोर से वहां पर कीर्तन की। कीर्तन करने पर उद्धव जी वहां पर घास बन करके तपस्या कर रहे थे, स्वयं उद्धव जी वहां प्रकाश प्रकट कर दिए। तब उद्धव जी को महिषियों ने पूछा, बोले महिषियों ये बताओ, हे उद्धव जी ये बताओ, अभी हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे? तो उद्धव जी ने कहा, देखो ठीक यही प्रश्न मैंने कृष्ण को किया था जब कृष्ण ये संसार छोड़ करके जा रहे थे। कृष्ण ने मेरे को एक रहस्य बात बोल कर गए। बोले क्या बोल कर गए? बोले हे उद्धव जी, मैं एक स्वरूप में तो ये मरते जगत से जा रहा हूँ, लेकिन कलयुग में दूसरे स्वरूप में भी मैं रहूँगा। तब उद्धव जी ने पूछा, प्रभु कलयुग में आप किस रूप में रहोगे? बल ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भागवत रूप में कलयुग में मैं विद्यमान रहूँगा। अगर कोई व्यक्ति कलयुग में ये भागवत कथा सुनता है, यदि ये भागवत कथा सुनना और मेरे से मिलना कोई अलग बात है, एक ही है। इसलिए जो कथा सुन रहे हैं, समझो आप साक्षात भगवान बांके बिहारी से मिल रहे हैं। कथा नहीं सुन रहे हो, भगवान से आप साक्षात मिल रहे हो। ये भागवत ग्रंथ नहीं, भगवान का निवास है। बोले उद्धव जी, फिर तो हमें ये भागवत कथा सुनाओ। देखो ये सबसे पहले ये भागवत कौन किसको सुनाए हैं? बोले सर्वप्रथम ये भागवत श्री उद्धव जी महिषियों को ये गिरिराज तलहटी में उन्होंने सुनाए। आप लोग देखे होंगे जब राधा कुंड का आप लोग पार करोगे ना, परिक्रमा करते हुए देखोगे वहां पर कुसुम सरोवर आएगा। देखो कुसुम सरोवर, देखेगी नहीं? बोले सर्वप्रथम वहीं पर श्री उद्धव जी कृष्ण के जो 16108 पटरानियां थी, सर्वप्रथम उद्धव जी वहीं पर गिरिराज की तलहटी में उन्होंने महिषियों को कथा सुनाई। जब ये भागवत विश्राम हो गया, ये भागवत ग्रंथ से स्वयं बांके बिहारी अपना राधा रानी को साथ में, अपना ग्वाल बाल सखियों को साथ में, स्वयं ठाकुर जी साक्षात रूप में वहीं पर उन्होंने महिषियों को दर्शन दिया है। इसका तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति कलयुग में भागवत कथा सुनते हैं, यदि ये भागवत कथा सुनना नहीं कि साक्षात ठाकुर जी से मिलना है, साक्षात रूप में मिलना है। जब वहीं पर उन्होंने दर्शन प्रदान की, महिषिया कृत्य कृत्य हो गए, धन्य हो गया उनका जीवन। तब श्री उद्धव जी स्वयं ये कथा कहते हैं, कहते मेरे गुरु जी बृहस्पति ने मेरे को एक सुंदर कथा सुनाए थे। बोले क्या कथा सुनाए थे? बोले जब ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि हुई, सर्वप्रथम ठाकुर ने तीन देवता को उन्होंने प्रकट किया, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारा काम है सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारा काम है संहार करना, विष्णु को बोले तुम्हारा काम है पालन करना।
तब ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये जगत का सृष्टि तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो सृष्टि का काम है ये रजोगुण का काम है। आप बताओ ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले अगर ये भागवत कथा को 7 दिन तक सुनोगे ये रजोगुण तुमको व्याप्त नहीं कर सकता है, और ये भागवत कथा की प्रभाव से ये विश्व ब्रह्मांड को तुम सृष्टि कर सकते हो। भोले बाबा है। बोले प्रभु ये संघार का काम रजोगुण का काम तमोगुण का काम है, ये तमोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले आप भी कथा सुनो और कथा सुना। जब श्री भोले बाबा कथा सुनाते हैं माँ पार्वती बैठ करके कथा सुनती है। ये भागवत को कितना दिन में कथा को विश्राम देते हैं? बोले 1 साल। शंकर जी इतने सुंदर कथा को व्याख्या करते हुए बोलते हैं उनको समाप्त के लिए उनको 1 साल लग जाती है। फिर माता पार्वती कथा सुनाती शंकर स्वयं बैठ कर सुनते हैं। बोले पार्वती कितने दिन में कथा को विश्राम देती? बोले 2 साल। शंकर जी जितने सुंदर कथा सुनाते हैं उससे ज्यादा सुंदर माँ पार्वती सुनाती है और ज्यादा व्याख्या करते हुए, इसलिए उनको 2 साल लग जाती है। अभी स्वयं विष्णु स्वयं आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से ये जगत का मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूँ? बोले आप भी कथा सुनो और सुना। इसलिए नारायण जब कथा सुनाते हैं माँ लक्ष्मी बैठ करके कथा सुनती हैं। ये कथा को कितना दिन में पूरी करते हैं? बोले 1 महीना। फिर माँ लक्ष्मी कथा करती हैं, स्वयं नारायण बैठ कर कथा सुनते हैं। कहते लक्ष्मी कितने दिन में कथा को पूरी करती? बोले 2 महीना लगती है। कहते नारायण से भी ज़्यादा सुंदर ये माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है। देखो ये भागवत कथा की कितने महिमा है, ये कथा की प्रभाव से ब्रह्मा दुनिया को सृष्टि करते हैं, कथा की प्रभाव से शंकर जी संघार का काम करते हैं, और कथा की प्रभाव से विष्णु जगत का पालन करते हैं। मतलब है ये जगत में जो सृष्टि स्थिति प्रलय की काम है ये किसकी प्रभाव से हो रहा है? बोले ये भागवत कथा की प्रभाव से ही ये दुनिया की सृष्टि स्थिति प्रलय हो रही है भागवत कथा की प्रभाव से। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृता मुखी, जोर से जयकार लगाओ। बोले श्रीमद् भागवत कथा महिमा की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये भागवत कथा को प्रारंभ करते हैं कहते वो 3 श्लोकों को द्वारा मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है कहते ये ध्यान बा ये भागवत ग्रंथ की इष्ट देव कौन है, कहते इसी विषय पर बड़ी लड़ाई झगड़ा है। क्योंकि भागवत का श्लोक का जो पहला श्लोक है उसमें किसका नाम नहीं दी गई, केवल वो श्लोक में केवल उनकी महिमा 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 उनकी विशेषण बताए, लेकिन ये विशेष पद नहीं बताया, इसलिए ये श्लोक को लेकर के बड़ी झगड़ा है। बोले क्या झगड़ा है? बोले जो शंकर जी को पूजा करते हैं कहते भैया भागवत का जो पहला श्लोक श्री भोले बाबा के लिए बताए सत्यम परम धीमहि, अभी जो माँ देवी को पूजा करती हैं वो कहती है भैया माँ देवी को यहाँ पर बताई गई, जो हनुमान जी को पूजा करते हैं कभी ये श्लोक में श्री हनुमान जी की महिमा बताई गई, अभी जो जिसको पूजा करते हैं उसका नाम ही बताते हैं, लेकिन यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य हुए ये बहुत बड़े संत हुए, ये श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के ये बहुत बड़े संत हुए हैं। वो कहते हैं भैया जो पहला श्लोक है ना भागवत का ये किसी के लिए नहीं, ये श्री बांके बिहारी के लिए। कहते श्री बांके बिहारी को प्रणाम किया, क्यों? कहते ये भागवत का जो इष्ट है श्री बांके बिहारी है, ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ भगवान बांके बिहारी का ही ये स्वरूप है,
जो सत्यंग परम धीम ही बताए, ये परम सत्य श्री बांके बिहारी के लिए बताए। लेकिन जो रस्सी की टीकाकार लोग हुए, बोले बोले भैया क्या केवल बांके बिहारी की ना, और किसके लिए बताए? बोले केवल बांके बिहारी की नहीं, बोले श्री राधा रानी के लिए बताए। किसके लिए बताए? इसलिए आप वृंदावन में गए हो, आप देखना वहाँ पर तो बांके बिहारी का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, लेकिन देखना वहाँ पर कोई भी कृष्ण का नाम कोई नहीं लेते हैं। वहाँ पर किसके नाम लेते हैं? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, और जोर से कहते वहाँ पर सबके सब श्री किशोर जी की, कहते वहाँ पर सबके सब श्री राधा रानी का नाम लेते हैं। बोले भैया वहाँ पर सबके सब श्री राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं, वो कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं, बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात् ददामी भक्ति उत्तमम, धा शब्द कुर्ब पश्चात धा विश्रवण लोभात। ये स्वयं बांके बिहारी कहते हैं, अगर कोई रा अक्षर बोल दिया, अभी धा नहीं बोला, केवल रा अक्षर बोला, कदि ये रा अक्षर की इतने महिमा है, इतने महिमा रा अक्षर की, कृष्ण अगर ये रा अक्षर सुन लेते हैं, कहते भैया इसको मैं क्या दूं, मेरी राधा रानी का रा अक्षर बोला, कहते इसका इतने महिमा विश्व ब्रह्मांड में, इसको देने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, कृष्ण खुद को खुद उसको दे देते हैं। बोले भैया आज से मैं तेरा बन गया। अगर कोई धा बोल दिया, रा और धा, अगर ये दो अक्षर कोई बोल दिया, कृष्ण कहते हैं भैया वो व्यक्ति जिधर जिधर चलता है ना, वे भी उसको पीछे 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 चलता रहता है। अगर रा शब्द, अगर कोई धा शब्द बोल दिया तो इतने महिमा श्री राधा दो अक्षर की। इसलिए कृष्ण भी स्वयं कहते हैं उसकी महिमा को मैं स्वयं बता नहीं पाता हूँ। इसलिए एक भजन गाते हैं ना, बोले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे भी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, बोले राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधा रानी बोली बोली चंचल 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 बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री प्रचार है बिहारी, राधा रानी श्री प्रसार है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधा रानी राधा रानी गंगा प्रभार है बिहारी, राधा रानी गंगा प्रभार है बिहारी, राधा रानी गंगा प्रभार है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। श्रीमती राधा रानी की। देखो अब राधा शब्द को उल्टा दो, बताओ तो क्या होगा?
हर जोर से बोलो। हाँ बोली ये राधा रानी नहीं, कहती ये कृष्ण प्रेम रस की धारा है। देखो जिस समय जिस अक्षर में रा जाए ना, देखना उसमें रसी रस है। इसलिए कृष्ण क्री में जो री माता रह है इसलिए उसमें रस है। राम राम में कौन अक्षर है, रा है, इसलिए उसमें रस है। राधा उसमें रा क्या रहे, उसमें रस है। आम्रम जो आम है ना, आम को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, आम्रम, इसमें र मात्रा है। इसलिए जिसमें र अक्षर होगा ना उसमें रस जरूर होगा। इसलिए हमारे संत लोग कहते हैं कि जो राधा रानी है ये सात समुद्र है। कितना समुद्र है सुने कि नहीं, बताओ तो सात समुद्र क्या क्या है, क्या क्या सात समुद्र है। कहते हैं कि इकु समुद्र है, एक लवण समुद्र है, एक दूध का समुद्र है, एक घी का समुद्र है, एक मधु का समुद्र है, एक शराब का समुद्र है, ऐसे ऐसे सात समुद्र बताया। बल ये राधा रानी के अंदर में भी सात समुद्र विद्यमान। इसलिए हमारे के संत कहते हैं बोले वैदग्ध सिंधु रनो रागिक सिंधु बात्सल्य सिंधु रस सिंधु कृपायिक सिंधु है वैदग्ध सिंधु श्री राधिक स्फुरत में रस केली सिंधु। बोले राधा रानी के अंदर में प्रेम की समुद्र, रस की समुद्र, भक्ति की समुद्र, वैदग्ध की समुद्र, वात्सल्य की समुद्र राधा रानी के अंदर में, ये सारे सप्त समुद्र ये राधा रानी के अंदर में विद्यमान। इसलिए हमारे एक संत कहते हैं भैया कृष्ण को अकेले पूजा नहीं करो। अकेला माधव पूज्य सो अज्ञानी राधा अनादर करे अभिमानी। भैया राधा रानी के बगैर कृष्ण आधा है, राधा के बगैर कृष्ण आधा। इसलिए कहते जो राधा जी को छोड़कर कृष्ण को पूजा करते हैं वो अज्ञानी है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, उसको कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए कहते जो अकेले कृष्ण पूजा करते हैं, कहते भैया इनका संग मत किया करो, इनसे दूर रहा करो। वो कहते इनसे दूर रहो क्योंकि अगर इनका संग करोगे ना तुमको कृष्ण घर नहीं मिलेंगे। इसलिए एक बहुत बड़े कोई रसी के संत हुए हैं, इन्होंने एक सुंदर पद लिखा था। वो पद में लिखा हुआ था मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग गया है। अभी सचमुच से वो पद कृष्ण भक्ति का बड़ा अनूठा शब्द था। वो बड़े बड़े संतों के पास में गए, जो जो सुने बड़े बाहवा दिए, बोले वाह क्या सुंदर कृष्ण का पद लिखे। लेकिन एक बहुत बड़े संत थे जिनका नाम था श्री जीव गोस्वामी, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त है। ये पद जब इनको पास में ये पद पहुंचा ना, इन्होंने एक श्लोक लिख करके भेज दिया। देखो ये श्लोक बड़ा अद्भुत श्लोक है, बोले अनाराध्य राधा पदाम भोज रेणु अनाश्रित वृंदा बनम तत् अटबिन असंभाष तद भाव गंभीर चिता कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। इसका मतलब है भैया अगर कृष्ण भक्ति रस में गोता लगाना चाहते हो ना, अगर कृष्ण भक्ति को पाना चाहते हो पहले तीन काम करो फिर कृष्ण मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कृष्ण जैसे टेढ़े है ना, आप वृंदावन गए ना देखना जितने गली भी टेढ़ी टेढ़ी है, सारे गली टेढ़ी देखोगे। जमुना को भी देखोगे वो भी टेढ़ी है टेढ़ा है। कृष्ण भी तीन जगह से टेढ़े हैं, उनका नाम भी बोलो जब तक ये जीवा तीन बार टेढ़ा नहीं हो जाए ना तब तक देखना ये कृष्ण नाम भी नहीं निकलता है। इसलिए संतों ने एक सुंदर भजन लिखा, बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, मैया तेरो टेढ़ी को फूल तेरो टेढ़ो, मैया तेरो टेढ़ी को फूल तेरो टेढ़ो, तेरी रे तेरी तेरी जसदा डोकरिया, ओ टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, ओ टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजर। पूरा उसको पूरा एक भजन गाए भैया कृष्ण बड़े टेढ़े हैं, जैसे राधा रानी हमारी बड़ी सिद्धि जाती है, उनका भक्ति भी बड़ी सिद्धि जाती है। इनके नाम भी देखो राधा अपने आप निकल जाती है, कृष्ण नाम निकलो सहज में नहीं निकलेगा,
इसलिए वो संत कह रहे हैं भैया पहले तीन चीजों को अपनाओ फिर तो कृष्ण तुम्हें मिलेंगे, नहीं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे, वो मना कर देते हैं। बोले भैया तीन चीज क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदा भोजन। पहला नंबर, इस चीज को नोट कर लो आप लोग, ये संत कह रहे नोट कर लो। बोले पहला नंबर है, पहले राधा रानी के चरणों को पहले आश्रय ग्रहण करो, और राधा रानी के चरण की धूल और राधा रानी के चरण अंकित तो जो वृंदावन धाम है, कहते ये वृंदावन धाम का आश्रय करो। और सबसे बड़ी चीज कहते हैं, और राधा रानी की प्रेम रस में जो डूबे हुए संत हैं उनकी चरणों को आश्रय ग्रहण करो, क्योंकि तुम जिनको आश्रय लिए हो अगर वो स्वयं राधा जी की भक्ति नहीं करते तुम्हें भक्ति कहाँ देगा बताओ? राधे राधे बोलने से राधे नहीं मिलेगा। अभी तुमने जहाँ आश्रय लिए हो जहीं गुरु जी को, अगर वो स्वयं राधा रानी का भक्ति नहीं करते हैं, राधा रानी का प्रेम भक्ति करते नहीं, फिर उनसे तुमको राधा रानी की भक्ति मिलेगा ना? वो मिलेगा ही नहीं तुम्हें। इसलिए सबसे बड़ी चीज है राधा जी की भक्ति रस में जो डूबे हुए संत हैं जब तक उनका चरण को आश्रय नहीं ग्रहण करते हो, बोले भैया कृष्ण भक्ति तुम्हें नहीं मिलेगी। बोले श्रीमती राधा रानी की जयकार, ठीक से नहीं दे रहे, जोर से बोलो। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानुराज नंदिनी की जय। इसलिए जो भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो ध्यान है। किस चीज के ध्यान है? बोले राधा कृष्ण जुगल को ध्यान करते हैं। इसलिए अनुपम माधुरी जोड़ी हमारी श्याम श्यामा की, कहते जो मंगलाचरण की जो दूसरा श्लोक है भागवत की, बोले प्रतिज्ञा देखो भागवत कथा की कितने महिमा देखो। जैसे यहाँ कथा हो रही है, अभी आप घर में हो कथा में नहीं आए, लेकिन आपको पता चला यहाँ भागवत कथा हो रही है। अगर किसकी मन में इतनी मात्र इच्छा हो जाए भागवत कथा हो रही है, आज मैं कथा सुनने जाऊंगी नहीं तो कथा सुनने जाऊंगा, इतना इच्छा मात्र से ही बोले सद्य हृदय अवरुद्ध ते कृति भी, कहते कृष्ण उसी समय में आज आकर के जैसे एक व्यक्ति एक घर में घुस करके अपनी आप अंदर से कुंडी बंद कर दे बांके बिहारी, उसी तरह उसकी हृदय में आकर के अपनी आप उसको हृदय में बंद जाते हैं, उसके हृदय से ठाकुर निकल नहीं पाते हैं, केवल इच्छा करने का मात्र से ही। कहते भैया अगर सचमुच से कोई आकर के ये कथा में बैठ गया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते हैं, वो कितने सौभाग्यवान हैं। बोले भैया ये कथा को कौन सुन सकते हैं? बोले शुश्रूषु भी, कथा वही सुन सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की जिनकी पुण्य उदय हुआ हो वही सुन सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बोले भैया हमने तो कोई पुण्य किया ही नहीं, हम तो बहुत बड़े पापी है, फिर ये कथा नहीं सुन सकते हैं? वो कहते हैं तुमको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, आओ केवल ये कथा में बैठ जाओ, केवल आकर के कथा में बैठ जाओ, ये कथा सुनते 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 अपने आप तुम पुण्यात्मा बन जाओगे, अपने आप पुण्यात्मा तुम बन जाओगे। इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं अति हरि कृपा जा पर अति हरि कृपा अति हरि कृपा जा पर अति हरि कृपा संगति सोई संगति सोई अति हरि कृपा अति हरि कृपा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे
Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna जब कीर्तन होना दो काम तो जरूर करना जरूरी है कितना काम जरूरी है पहला नंबर है ताली बजानी चाहिए अगर भगवान की कीर्तन में कोई ताली बजाएगा ना अगर आपकी भाग्य रेखा अगर थोड़ी उल्टा सुलटा हो ताली हम कब बजाते हैं किसकी स्वागत में ताली बजाते हैं ना किसकी स्वागत में किसकी स्वागत में कहते ना भैया ताली बजा करके स्वागत करो यहाँ पर किसकी स्वागत हो रही है किसका स्वागत कर रहे हैं ठाकुर जी की स्वागत है ये जो हाथ रेखा है ना इस पर ठाकुर को सिवाय कोई भी सही नहीं कर सकते दुनिया में कोई भी जन्म नहीं लिया जो कि तुम्हारी भाग्य रेखा को बदला सकता है वो केवल ठाकुर बांके बिहारी बदला सकते हैं अगर उनका भजन में अगर आप ताली बजाओगे ना अगर भाग्य रेखा अगर इधर उधर हो ठाकुर जी भाग्य रेखा को बदला देते हैं ठाकुर इसलिए पहला लाभ है बोले दूसरा लाभ क्या है अगर कोई ताली बजाएगा आप लोगों को पता होगा एक एक्यूप्रेशर सुने कि नहीं एक्यूप्रेशर सुने होंगे वो एक्यूप्रेशर जो जानते हैं ना हाथों से सारी बीमारी सही करते हैं आप लोग रामदेव राम बाबा रामदेव बाबा का योगा देखे हो कौन कौन टीवी में योगा देखे हो वो कहते हैं ना यहाँ दबाओ तुम्हारी हाड़ सही होगी यहाँ पर दबाओ तुम्हारी कैंसर सही होगा यहाँ पर दबाओ तुम्हारी शुगर की बीमारी सही होगी देखना वो हाथ से सारी बीमारी को सही करते हैं जब हम ताली बजाते हैं देखना हाथ के सारे पैंड से दबती है सारे पैंड से दबती है इसलिए अगर ताली बजाओगे तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी हर बीमारी सही हो जाएगी ताली बजाने पर और गोस्वामी तुलसीदास जी वो तो कहते हैं जैसे कहीं चिड़िया कहीं चुग रहा है खेती में कहीं चिड़िया कोई दाना चुग रहा है उसको भगाने के लिए क्या करते हो ताली बजाते हैं ना वो फिर उड़ जाती है जब हम भक्ति करते हैं अगर पाप रूपी चिड़िया कहीं अगर आ करके डिस्टर्ब कर रहा है अगर ताली बजाओ तो ये पाप रूपी चिड़िया भी उड़ जाएगी इसलिए सबके सब कीर्तन में जोर जोर करके ताली बजाओ ठीक है और दूसरी बात है कीर्तन को पीछे पीछे बोलनी भी चाहिए बोले हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल हरी 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 बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी 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 बोल हरी 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 बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते भागवत का जो मंगलाचरण के तीसरा नंबर श्लोक है, कहते ये भागवत हमें आशीर्वाद देता है। बोले भैया भागवत हमें क्या आशीर्वाद दे रहा है? बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुखमुखात अमृतम द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बोले हम लोग भागवत कथा नहीं सुन रहे हैं, हम सबके सब कल्प वृक्षों के नीचे बैठे। कहाँ पर बैठे हो, कहाँ पर बैठे हो? बोले भैया ये कल्प वृक्ष क्या होता है? बोले जो मांगोगे सो मिलेगा, इसलिए ये पद्म पुराण में बताया जो रोगी उसको निरोग प्रदान करता है, जो दुखी उसे सुख प्रदान करता है, जो निर्धन उसे धन प्रदान करता है, जो पुत्रहीन है उसको पुत्र प्रदान करते हैं। कहते अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उगारदी। अकाम मतलब होता है जिसके अंदर में कोई कामना वासना नहीं, सर्व काम मतलब जिसके अंदर में सारी इच्छाएं, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत दुकान मकान, जिसके अंदर में सब इच्छा। बोले मोक्ष काम जो संसार का बंधन से मुक्त होकर के भगवान को पास में जाना चाहते हैं। बोले ये भागवत आपको सब कुछ पूरी करेगी अगर इसको नियम से अगर सुना है, नियम से अगर ये कथा को आप सुने, आप जो मांगोगे आपको सो मिलेगा। ये भागवत नहीं, आप कल्प वृक्षों को नीचे बैठे हो, कल्प वृक्षों को नीचे बैठे हो। बोले निगम कल्प तरूर गलितम फलम। बोले ये भागवत है क्या जी? बोले ये कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है, इसलिए क्या करो ये पका हुआ फल का पी बतम, इसको पियो। देखो यहाँ प्रश्न करता है, कहते भैया आपने पहले बताए ये फल है, आप बताओ फल को खाते हो ना फल को पीते हो? बोलो फल को खाते हो ना फल को पीते हो? खाते हो ना, लेकिन वो कह रहे हैं पियो। ये पियेंगे कैसे? कहते ये ऐसे के फल है जिसमें गुठली भी नहीं, जिसमें छिलका नहीं, जिसमें रसी रस है, जिसमें रसी रस है, इसलिए ये फल को कहते पियो। लेकिन ये ऐसे एक फल है, आप बताओ जब कोई चीज को हम पीते हैं आप किधर से पीते हो? आप बताओ किधर से कोई जूस पीते हो, किधर से पीते हो? अरे बोलो ना किधर से पीते हो? मुंह से। किधर से पीते हो? लेकिन अभी जो रस को पी रहे हो किधर से पी रहे हो? कानों से। बोले ये ऐसे के रस है जिसको मुंह से नहीं पी जाती, जिसको कानों से पी जाती है। देखो कानों और मुंह में पीने का क्या फर्क है? कोई भी चीज अगर आप मुंह से पियोगे आप अंदर में रख नहीं सकते, वो नीचे निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? नीचे निकलेगा, आप रख नहीं सकते। लेकिन कोई चीज को जो कानों से पीते हो वो चीज निकलेगा नहीं, वो हृदय में रहेगा। इसलिए कहते भैया ये रस को मुंह से मत पिया करो, ये रस को किधर से पियो? कानों से पियो। बोले भैया पीते तो हो सब निकल जाती है, पीते तो है लेकिन ये सब के सब निकल जाती है, क्योंकि हमारी अंदर में छेदी छेद है, काम क्रोध लोभ मोह छेदी है, इधर पीते दूसरे तरफ वो निकल जाती है। तो इसके एक उपाय बताए। बोले देखो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, जैसे कि कलसी है उसमें छेदी छेद है, अगर कोई चीज उसमें डालो तो सब निकल जाएगी, आप बताओ ऐसे कौन सा उपाय है भले ही उसमें जितने छेद के नहीं हो, अगर कोई चीज डालोगे ना पानी डालोगे वो एक बूंद नहीं निकलेगा, बताओ तो क्या उपाय है? क्या करो इसको? हाँ पानी में उसको डाल दो, अगर डाल दोगे ना उसमें जितने छेद क्यों नहीं हो निकलेगा वो, क्योंकि ऑलरेडी पानी में डुबा हुआ है। देखो यहाँ पर एक अच्छी बात कह रहे हैं, मुहु रहो रसिका भूमि भाव का। भैया ये रस को पीते रहो, हर समय पीते रहो, पीते रहो मतलब ये पानी में डूबे रहो, ये भक्ति रस में डूबे रहो,
अगर डूबे रहोगे ना फिर तुमको ये काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं कर सकता है। जैसे प्रमाण देखो, हम सबका हृदय में काम क्रोध लोभ है, सभी के हृदय में। लेकिन अभी जो कथा सुन रहे हो, ये कथा रस को जो पान कर रहे हो, आपको कोई काम सता रहा है ना, कोई क्रोध सता रहे हैं ना, आपको कोई लोभ सता रहा है, कुछ सता रहे हैं आपको नहीं। लेकिन केवल ये कथा से आप बाहर निकलो, कथा से ये गेट से बाहर निकलो, देखना सारे काम क्रोध आ करके झट पकड़ेगा। लेकिन जब तक ये कथा में आप बैठे हुए हो ना, जानते हो कहाँ पर बैठे हो, ठाकुर जी की गोद में, बांके बिहारी की गोद में बैठे हो, कथा में नहीं बैठे हो, ठाकुर जी का गोद में बैठे हुए हो। अगर इसी समय में किसकी मृत्यु आ जाए, लेकिन आप जब तक ये कथा में रहोगे ना, ये जमदूत गेट को बाहर खड़ा रहेगा, नहीं ले सकता आपको। क्यों? आप भगवान की गोद में बैठे हुए हो, इतने ये कथा की प्रभाव है। इसलिए कहते भैया ये रस को पीते रहो। बोले भैया ये रस को कौन पी सकते हैं? बोले केवल दो व्यक्ति पी सकते हैं। कितने व्यक्ति पी सकते हैं? वो दो व्यक्ति कौन हैं? कहते रसिका और एक भावुक। जो रसिक और जो भावुक है, केवल वही व्यक्ति ही कथा रस को पान कर सकते हैं। इसलिए शंकर जी कहते हैं पार्वती अति हरि कृपा जा पर होई पाव देही असंगत सोई। ये कथा रस को वही पी सकते हैं पार्वती जिसको ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा हो, यही व्यक्ति ही कथा सुन सकते हैं। समझो आज हम सभी का ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, हम सबके सब बैठ करके ये कथा रस में हम गोता लगा रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम् की जय। जय श्री राम। कहते अभी ये घोर कलिजुग आ गया है, ये घोर कलिजुग आने पर ये सौनक आदि ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी के पास में गए। बोले ब्रह्मा जी ये घोर कलिजुग है, ये कलिजुग मतलब क्या? बोले कलह। कलिजुग मतलब कलह। देखना भाई भाई में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, पड़ोस में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, राज्य राज्य में लड़ाई, जिस ऑफिस में काम करने के लिए जाओ वहाँ भी लड़ाई। ये कलिजुग है ना, कलिजुग मतलब कलह, यहाँ पर झगड़ा है। कहते ये कलिजुग में जीव का जो स्थिति क्या है? बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य कलावस्मीन जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य झुप द्रुता। कहते कलिजुग का जो स्थिति है, बोले प्रायण अल्पायुष, कलिजुग में प्राय करके जो आयु है ना बहुत कम है, क्योंकि सत्य युग में 100,000 साल जिंदा रहते थे। अब सुनेंगे हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तपस्या किया, बताओ कितना दिन फिर जिंदा रहता होगा, कितना दिन वो जिंदा रहता होगा? क्योंकि जिंदा रहते थे 100,000 साल, इसलिए इतना दिन तक तपस्या करते थे। पर तृतीया युग आ गया, 1,00,000 से 1 शून्य हटा दो कितना रह जाएगा? क्या तो उसमें 10,000 रह जाती है। तृतीया युग में 10,000 साल जिंदा रहते थे। फिर द्वापर युग आया, फिर 10,000 से 1 शून्य हटा दो, फिर उसमें रह जाता है 1,000। अभी कलयुग आ गया, अभी 1,000 से 1 शून्य हटा दो कितना रह जाएगा, बताओ कितना रहेगा? 100। 100 से 1 शून्य हटा दो कितना रह जाएगी? 10। ये भविष्य पुराण में आया, जब घोर कलयुग आएगा लोग 10 साल जिंदा रहेंगे, बैगन पेड़ से बैगन भी तोड़ नहीं पाएंगे, इसे वर्णन आया है। क्योंकि कलयुग में सब हाइब्रिड बैगन चीज बन, पहले सब चीज सब नेचुरल चीज होता था, हाँ प्योर होता था। आपको अभी कोई चीज लिखा होगा प्योर घी, लेकिन चर्बी पता नहीं उसके अंदर में क्या क्या, उसमें डालडा फालडा क्या लिखा होगा, ऊपर से प्योर घी लिखा होगी। इसलिए कलयुग में कोई चीज प्योर चीज नहीं मिलेगी, इसलिए धीरे धीरे ये परमाल धीरे धीरे घटते जाएगी। फिर तृतीया द्वापर युग में नियम था, जब तक इनकी परमायु पूरी नहीं हो जाएगी ना कोई मरेगा नहीं, परमायु पूरी होने के बाद मरेगा। लेकिन कलयुग में बैठ बैठ के हार्ट अटैक हो जाता है, बैठ बैठ करके जाते जाते कहीं एक्सीडेंट हो गए,
न्यूज पेपर रोज पढ़, कितने लोग ऐसे मर रहे हैं। इसलिए कलयुग में बोले प्राण अल्पायुष, फिर बोले मंदा सुमंद मतयो। कलयुग का जो जीव होंगे इनका जो मन देखना भजन में लगाने के लिए बड़ा कठिन से भजन में लगाना पड़ता है। अब देखो 10 मिनट बैठो ठाकुर के पास में, मन 10 मिनट भजन करेंगे, देखना अब आंख बंद करो एक मिनट भी भजन में नहीं लगेगा। आंख बंद करते बेटा बेटी दुनियादारी सब दिखेगा, लेकिन भगवान भजन ही नहीं दिखेगी। ये कलयुग में जीव का इतना दुर्दशा, इतने मन चंचल है ये कलयुग में। फिर मंदा सुमंद मतयो, कहते गंदी चीज में देखना मन तो स्वाभाविक रूप में जाएगा, अच्छी चीज में मन को खींच खांच करके लगाना पड़ता, तभी नहीं लगेगी। फिर ये कलयुग में और एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई, ये जो टीबी है ना, ये टीबी नहीं ये कलयुग। हमारे बड़े गुरुजी कहते थे ये कलयुग, पहले फिर एक है उसमें उसमें एक चैनल था, अभी सारा दुनिया की चालना आ गया। पहले लोग का समय होता था ना, ये सब चीज नहीं होती थी, इसलिए लोग गीता पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। देखना गांव गांव में टोली होती थी, बैठ करके सत्संग होती थी गांव गांव में, गांव के लोग एकत्रित होते थे, मजरा मृदंग बजा कर कीर्तन करते थे, रामायण की पाठ होती थी, पहले यही होता था ना। अभी देखो टीवी में सारा दुनिया की चीज, और जितने उल्टा पुल्टा ज्यादा चीज मिलेगी हमको, सही चीज तो बहुत कम मिलेगी। फिर जो इंटरनेट आ गया स्मार्टफोन, ये तो दुनिया को सर्वनाश कर दिया। अब देखो छोटे छोटे जो गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय 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 राधारमण हरि गोविंद जय राधा रानी की जय महारानी की जय महारानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय रानी की जय महारानी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय गिरधारी की जय बनवारी की जय बलकुंज बिहारी की जय 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 बलकुंज बिहारी की जय 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम। बोले मंदा सुमंद मतयो, कलयुग में जो मति है सुमंद मति है। बोले झूप द्रुता, बोले झूप द्रुता का मतलब होता है जय जय राधा रमन हरि हो, 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 जय जय राधा रमन हरि हो।
जय। बोले कलयुग में झुपद्रुता, बोले झुपद्रुता का मतलब होता है अगर पत्नी अगर सत्संग में आती है, अगर उसके ऊपर में कहीं सत्संग की रंग थोड़ा चढ़ गई, अगर थोड़ा सी ज्यादा प्रभु की भजन में लग गई। देखना पति बोलेगा भैया कौन सा बाबा की चक्कर में तो बढ़ गई, पहले तो बोलते कि सिनेमा में ले चलो, घुमाने ले चलो, अभी देखो तो जहाँ देखो सत्संग में चली जाती हो, गीता भागवत लेकर के तो बैठ ही जाती हो। अगर पति अगर सत्संग में आए, अगर इनकी मति अगर मन थोड़ा प्रभु की भजन में लगे, फिर पत्नी भी भजन करने नहीं देगी। बोले जब देखो गीता भागवत लेकर बैठ जाते हो, कोई काम धाम नहीं घर में। अगर बच्चा अगर प्रभु की भक्ति में थोड़ा रंग जाए, प्रभु की भक्ति में अगर बच्चा थोड़ा आ जाए, पिता माता बोलेंगे ये कोई उम्र तेरा है भजन करने की, ये कई तरह उम्र है भजन करने की, अभी से ये सब कंठी तिलक माला अभी से क्या कर रहे हो। लेकिन बच्चा अगर शराब पीता है ना, सिगरेट फूकता है ना, बोले वेरी गुड, बच्चा तो बड़ा एडवांस शराब पी रहा है ना, बहुत अच्छी काम है। और यार दोस्तों के साथ में लड़की बाजी करे कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी प्रभु की माला जब भगवान की भक्ति करना शुरू करके देखना सारी दुनिया की है उल्टा पलटा कर। ये उम्र है भजन की। बोले भैया कलयुग में बड़ा उपद्रव है भजन करने का, गंदे रास्ता के लिए कोई रोकेगा नहीं ठोकेगा नहीं, देखना कोई नहीं रोकेगा। कितने लोग शराब पी रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है क्या, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन भक्ति करने के लिए जाओ तो बड़ी उपद्रव है। मीरा की देखो, जब मीरा ने भजन की वो कोई गंदी बात भजन करना थोड़ी है, उसका पति भी उसका देवर भी उसका सास भी ननद भी सबके सब मीरा के पीछे सबके सब बढ़ गए, सबके सब एक कुत्ता भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए कहते भैया कलयुग में बड़ा उपद्रव है भजन करने में। इसलिए श्री ये कलयुग आने पर ये सौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले हे पितामह ब्रह्मा जी आप कृपा करके बताओ ये कलयुग से हम बचेंगे कैसे। ब्रह्मा जी बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहाँ पर गिरेगा समझना ये पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके भजन करो, ये कलयुग में तुम्हें नहीं व्याप्त करेगा। वो चक्र जा करके नैमिषारण्य में गिरिए। आप लोग कोई नैमिषारण्य गए हो, कौन कौन नैमिषारण्य गए हैं, कौन कौन जाना चाहते हो बताओ, आप सबका हम ले जाएंगे, बताओ कौन जाना चाहता है। इसलिए कहते वो चक्र जा करके नैमिषारण्य में गिरा, आप लोग जो गए देखे होंगे वो चक्र पाताल में भेद कर गई और वहीं से 24 घंटा पानी निकलती है। पास में पतित पावन माता श्री गंगा प्रभावमान हो रही है, वहीं पर सौनकादि ऋषियों ने हजार साल तक वहीं पर तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनका मन में बड़े शांति नहीं मिल रही थी। एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुत गोस्वामी वहां पर आए, तो उन्होंने सुतो गोस्वामी को आसन दे करके बैठाए और उनसे प्रश्न करते हैं। बोले हे सुतो गोस्वामी आप तो गुरु जी की कृपा से जितने वेद पुराण उपनिषद आप तो गुरु जी की कृपा से आपने सब कुछ प्राप्त किया है, आप कृपा करके बताओ ये कलयुग से हम बच्चे कैसे। तो सौनकादि ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को उन्होंने 6 प्रश्न किया है और ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना ये संपूर्ण भागवत है। आज मैं आपको 6 प्रश्न बताऊंगा और कल आप लोगों से मैं सुनूंगा ये 6 प्रश्न कौन याद किया है, ठीक है। कल कौन कौन मेरे को बोल सकते हो, आज मैं 6 प्रश्न बोलूंगा, 6 प्रश्न किया है, कल मेरे को बोलना पड़ेगा। कौन कौन बोल पाओगे हाथ उठाओ तो बोलो, कौन कौन बोल पाओगे। हाँ इसलिए ध्यान से सुनना, देखूंगा कल जो मेरे को बोलेगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, इसलिए ध्यान से सुना, क्योंकि ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ये पूरी भागवत है। इनका पहला प्रश्न है ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगा। पहला प्रश्न क्या है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। देखो हम जो कुछ संसार में कर रहे हैं शांति के लिए कर रहे हैं, सब कुछ शांति सुख के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक आश्चर्य बात देखना, सामने एक समस्या हमारी, हम लोग सोचते हैं किसी तरह से
ये एक समस्या खत्म हो जाएगी ना, जीवन में हमें शांति मिलेगी। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या तो दूर हुई नहीं, सामने दो समस्या खड़ी। फिर सोचते हैं भैया किसी तरह से ये दो समस्या हल हो जाए। आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, वो दो समस्या तो गई नहीं, देखना तीन समस्या खड़ी हो गई। देखो जीवन में हम सुख किसको कहते हैं, जीवन में सुख किसको कहते हैं, कहते दुख का प्रतिकारक ही सुख मानते हैं। शायद ये दुख दूर होने पर सुख मिलेगी, लेकिन जिंदगी में कभी दुख का प्रतिकार होता ही नहीं। ऐसे करते 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 पूरा जीवन बीत जाती है, सारा जीवन इसमें ही बीत जाती है। देखो ये जो पहला प्रश्न है, ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, ये आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये करोड़ रुपया की क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देंगे, आप लोग सुनोगे इसका आंसर क्या देंगे है। लेकिन हमारी मन में एक धारणा, क्या धारणा जानते हो, शायद हमने ज्यादा पैसा कमा लेंगे ना सुखी हो जाएंगे, यही सोचते हैं ना। शायद घर में ज्यादा पैसा कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। अगर ज्यादा पैसा से अगर सुखी होएंगे, आप लोग ये बताओ, रावण का नाम सुने हो, कौन कौन रावण का नाम जानते हो, सब जानते हो। उसकी सोने की लंका थी, उसका डाइनिंग रूम सोना, किचन रूम सोना, बेडरूम सोना, पूरा लंका लंका ही सोना ही सोना, उसका सोना ही सोना ही उसको। अगर ज्यादा पैसा से अगर कोई सुखी हो जाता ना, भैया रावण तो जगत में सबसे बड़ा सुखी रावण ही होता, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हुई था। फिर सोचते हैं अगर किसी अच्छी छोरी से शादी हो जाए ना, अच्छी लड़की से, शायद सुखी हो जाएंगे। रावण का पत्नी का नाम क्या नाम था क्या आपको पता है, मंदोदरी। ये मंदोदरी का मतलब आपको पता है, मंदोदरी मतलब क्या होता है, मंद मतलब होता है पतली, उदर मतलब होता है कमर, जिसकी कमर बड़ी पतली थी, उसका पिताजी का नाम था विश्वकर्मा, और विश्वकर्मा थी उसको पिताजी। विश्वकर्मा ने सारे सद्गुण देकर के, उसने सारे सद्गुण देकर के अपना बेटी को उसने बनाया था। रामायण में सुने होंगे, जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने के लिए गए, उन्होंने मंदोदरी को देखे कर भ्रमित हो गए, बोले यही तो माँ सीता नहीं, क्यों, वो इतने सुंदरी मंदोदरी थी, इतने सुंदरी थी, हनुमान सोच रहे थे शायद यही शायद सीता होगी, मतलब इतने सुंदरी ये मंदोदरी थी। जहां से उसको अच्छी से अच्छी स्वर्ग लोक में महालोक में कहीं भी अच्छी सुंदरी लड़की मिली ना, वो जोर जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर अपना पत्नी बनाई थी उसने। फिर सोचते हैं अगर अच्छा छोरा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। उसका बेटा का नाम था मेघनाद, क्या नाम था, मेघनाद इंद्रजीत, इंद्र को जिसने जीता है, मेघ जैसे नाद करता था, पिता के लिए उसने अपना जीवन को बलिदान दे दिया, इतने अच्छा बेटा, लेकिन सुखी नहीं था संसार में। तभी सीता को उठा करके ले गया, तभी सीता को उसने उठा करके ले गया है। इसलिए आप लोगों ने सुने होंगे हनुमान जी लंका में जा करके आग लगा दिया, सुने कि नहीं आप लोगों ने, कौन कौन सुने हो। आप लोग से के प्रश्न करता हूँ, रावण का था सोने की लंका, आप बताओ सोने में कहीं आग लगती है, आप बताओ सोने में कहीं आग लगती है, बल्कि सोने में आग लगेगा ना उतना चमकेगा, उतना चमकेगा कि नहीं। लेकिन हम सुनते हैं सोने की लंका में हनुमान जी आग लगा दिए, इसका मतलब क्या, बोले इसका मतलब है अगर तुम्हारी संसार सोने की क्यों नहीं हो। ये हनुमान जी कौन है, ये स्वयं शंकर है, रुद्रदेव, ध्वंस करने वाले। हनुमान जी शिक्षा देते हैं, सोने की तुम्हारी लंका क्यों नहीं हो, सोने की घर क्यों नहीं हो, उसमें भी आग लग करके राख बन जाएगी, क्यों। अगर भगवान राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, राम विमुख कभी सुख नहीं पावा, गोस्वामी जी कहते राम से विमुख हो करके अगर तुम्हारी सोने की लंका क्यों नहीं हो, जल के को राख बन जाएगी। लेकिन सोने की लंका में तो आग लगा दिया, लेकिन एक व्यक्ति का घर उसने छोड़ दिया था, किसका घर छोड़ दिया था, किसका छोड़ दिया था, बोले क्यों, क्योंकि जो विभीषण है वो राम की शरण में था, राम की शरण में विभीषण था, इसलिए केवल उन्होंने विभीषण का घर को छोड़े और सबका घर में आग लगा दी,
शिक्षा देते हैं भैया, अगर प्रभु की शरण में रहोगे ना, भगवान की शरण में रहोगे तो जिंदे रहोगे, नहीं तो अगर प्रभु की शरण में नहीं रहोगे ना भैया, जल बुन कर खत्म हो जाओगे। इसलिए क्या करो, प्रभु की शरण में रहो, ठाकुर जी की भक्ति करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा जोर जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इनका प्रथम प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिले। दूसरी प्रश्न है, देखो ये प्रश्न में एक प्रश्न में ना दूसरे प्रश्न लिंक लगा हुआ है। एक दूसरी प्रश्न है। देखो सब प्रश्न में सब प्रश्न लिंक है। पहला प्रश्न आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब तक हमें भगवान नहीं मिलेंगे भैया जीवन में, तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन कलयुग में हमें ठाकुर मिलेंगे कैसे, कलयुग में सबसे सरल उपाय क्या है। जो तीसरी प्रश्न है, हमें भगवान की कथा सुनाओ, भगवान कृष्ण की हमें कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है, बोले केवल कृष्ण नहीं, कहते जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कभी राम रूप में आकर के रावणों कैसे मारे, भगवान नरसिंह रूप में आकर के श्री हिरण्यकश्यप को कैसे मारे, ठाकुर जी कभी वामन रूप में आए, बलि महाराज के ऊपर कैसे उन्होंने कृपा की, भगवान बरहार अवतार में आए ये पृथ्वी को कैसे रक्षा की, भगवान के जितने अवतारों की कथा सुना। इनका जो चौथा प्रश्न है, कितना प्रश्न हो गया, कहते इनका जो पंचमा प्रश्न है, कहते भगवान की जो अद्भुत जस हमें सुनाओ, कैसे कृष्ण जब 6 दिन के थे उन्होंने पुतना को मारी, कृष्ण जब 1 महीना को हुए सगटासुर को मारी,
तीन महीना में तीना व्रत को मारे। कृष्ण जब चार साल हुए उनमें अघासुर को मार डाले। भगवान कैसे सात साल में गिरिराज गोवर्धन उठा लिया। ठाकुर जी कैसे रास कैसे रचाए, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण हमारे साथ में। इसलिए भगवान की जो अद्भुत जस सुनाओ। और छठवां प्रश्न है, भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके चले गए, अभी धर्म कलयुग में कहां पर आश्रय लिया? आप कृपा करके हमें ये सारे प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये प्रश्न सुन करके सुत गोस्वामी बड़े खुश हो गए। बोले क्यों? ये जितना प्रश्न सब भगवत पर संबंध प्रश्न, कोई दुनियादारी का कोई प्रश्न है नहीं। शिक्षा देते हैं, जब किसी सही संत को पास में जाओ, भैया दुनिया की कोई बात मत करो, दुनिया की कोई बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? जो सही संत होते हैं ना, वो भगवत चिंता में डूबे रहते हैं। अगर हम दुनिया की बात करेंगे, फिर हमने क्या किया? इनको भगवत चिंतन में छुड़ा करके उनको हम दुनियादारी की बात में ले आए, संत खुश नहीं होते। इसलिए सुत गोस्वामी इसलिए प्रसन्न हुए, इनकी जितने प्रश्न है सब भगवत संबंधी प्रश्न, इनकी रोम रोम खिली उठा। उन्होंने बोले देखो भैया, पहले मैं अपना गुरु जी की चरण को पूजा करते हुए तुम्हारी प्रश्न को उत्तर दूंगा। तब उन्होंने पहले गुरु जी की चरण से उन्होंने वंदना की। बोले बंदाओ गोरो पाद पादो माँ परागा, बंदाओ गोरो पाद पादो माँ परागा, बंदाओ गोरो पाद पादो माँ परागा, बंदाओ गोरो पाद सुर थी सुहा गुरु जी की चरण की प्रणाम करते हुए उन्होंने इनकी प्रश्न की उन्होंने उत्तर दिया है। बोले भैया मेरे गुरु जी कौन है? बोले मेरे गुरु जी साधारण व्यक्ति नहीं, मातृ गर्भ में बच्चे 9 महीना रहते हैं, मेरे गुरुदेव तो 16 साल कर रहे हैं और गर्भ में बैठी बैठ करके भजन कर रहे थे। एक दिन व्यास देव जी बोले बेटा तू है कौन, मैया को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो, बेटा निकल करके आ जा। अंदर से आवाज आई, बोले पिताजी ये माया की संसार है, हर संतान मातृ गर्भ में जब 7 महीना हो जाए उसको ज्ञान हो जाता है, उसको 1000 जन्म की बात याद आता है, पूर्व जन्म में हमने कैसे कैसे दुष्कर्म किया, कैसे पैसा कमाया, कैसे परिवार को हमने मेंटेन से की, लेकिन ये सबके सब सुख का समय तक है, लेकिन जब कर्म का फल भोग कर रहा हूँ, वो पति कहाँ, वो पत्नी कहाँ, वो बच्चे कहाँ हैं, ये तो कोई है ही नहीं, ये कर्म का फल तो मैं अकेला ले रहा हूँ। उसको पूर्ण ज्ञान होता है ये संसार में कोई किसका है नहीं, झूठा है। इसलिए भगवान से कसम खाता है, बोले ठाकुर जी मेरे को एक बार गर्भ से निकाल दो। भगवान कहते हैं ये बताओ जब गर्भ से निकालूंगा करोगे क्या? बोले प्रभु जी मैं समझ गया संसार में कोई किसी का नहीं, एक बार केवल चांस दे दो, उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा, ये झूठा संसार में फंसूंगा नहीं। ठाकुर जी बोले क्या दुख में पड़ करके बोल रहे हो, लेकिन जब जन्म दे दूंगा इसने सब भूल तो नहीं जाओगे? बोले ठाकुर जी एकदम नहीं भूलूंगा। भगवान ने कहा देख बेटा अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में तेरे को मैं वार्निंग भी दूंगा। बोले क्या वार्निंग दोगे? बोले जब एक बाल पक जाएगी, मेरी फर्स्ट वार्निंग है, बाल पकना मतलब क्या ऊपर जाने का समय हो गया, लेकिन उसका वार्निंग हम सुनते नहीं, देखना एक बाल पक जाएगा ना उसको उखाड़ देंगे। बोले इतना जल्दी हमें बूढ़ा बना रहे, हमारा कुछ नहीं हुआ, अगर दूसरा बाल पक गया फिर उसको उखाड़ देंगे, तीसरा बाल पक गया उखाड़ देंगे, अगर खिचड़ी बन गया फिर कलर ला कर उसको कलर कर देते हैं, मेहंदी के फिर कलर कर देते हैं, उसको वार्निंग को हमें सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
भगवान कहते फिर तेरे को दूसरा वारनी की दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले आंखों में कमजोरी आ जाएगी, फिर चश्मा लगा देते हैं। भगवान कहते फिर तीसरा वारनी की दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले एक एक दांत तोड़ना शुरू करूंगा। फिर डेंटिस्ट के पास में जाकर फिर 32 दांत लगा करके फिर खिलखिलाकर हंसते हैं। फिर बोले चौथा वारनी की दूंगा। बोले क्या दोगे? बोले 2 पैर से 3 पैर हो जाएगी, फिर डंडा पकड़ना शुरू करेगी। भगवान कहते ये मेरी एक एक वार्निंग है, ऊपर जाने का समय हो गया, समय रहते क्या करो, भगवान की भजन कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, लेकिन इसको वार्निंग को हमें सुनने के लिए तैयार नहीं। भगवान कहते देखो बेटा, फिर फिफ्थ वार्निंग नहीं दूंगा, पंचमा वार्निंग नहीं, फिर राम नाम सत्य है। लेकिन इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटना लगे कपास। संसार में क्यों आए हो? घर गृहस्थी करने के लिए। गोस्वामी जी कहते घर गृहस्थी करने नहीं आए हो, ये मानव शरीर नहीं। भगवान राम खुद कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोक सवारा। ये भगवान अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, बोले बेटो ये मानव शरीर नहीं, ये साधन की धाम है। ये 84 लक्ष जिनने एक ही जीवन मिला है, एक जीवा मिला जिसमें राम राम कृष्ण कह सकते हो, 2 प्यार मिला घर से सत्संग में आए हैं, 2 आंख दिए हैं जो भगवान को दर्शन कर सकते हैं, 2 हाथ दिए जो ठाकुर को सेवा कर सकते हैं, जो 1 हृदय दिया जिसमें ठाकुर को स्मरण कर सकते हैं। ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति की दरवाजा में खड़े हुए। बोले पाई न जई पर लोक सवारा। अगर जिसको भगवान ये मानव शरीर दे दिया लेकिन जीवन में भजन नहीं किया, फिर प्रभु जी कहते हैं भैया सिर पीटते रह जाओगे, लेकिन ये मानव शरीर ठाकुर दोबारा नहीं देंगे, फिर तो वही 84 लाख जीवन में भटकते रहे। इसलिए यहाँ पर हर संतान मातृगर्भ में भगवान से हम वायदा करके आए, वहीं पर भगवान से कसम खा करके आए, प्रभु हमें जो मानव शरीर दिया उठते बैठते सोते तेरा भजन करेंगे। अगर किसको बोले थोड़ा माला जप कर, बोले समय कहाँ है? टीवी देखने के लिए समय, सीरियल आ जाए ना देखना, 3-3 घंटा बैठ करके सीरियल देखेंगे, और इधर उधर की अगर बात आ जाए ना फिर देखना घंटा घंटा, अगर किसी की चुगली हो जाए फिर तो देखना कब समय निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी बोले भैया थोड़ी सी ठाकुर का माला जप कर लो, थोड़ी सी भजन कर लो, बोले समय कहाँ है भजन करने का, समय कहाँ है भजन करने का। इसलिए भागवत में आता है मरने का बाद है ना जीव को जब महाराज को सामने खड़ी कर दिया जाता है, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कितना बेटा कितने बेटी कितने दुकान मकान, कोई बात वो प्रश्न नहीं करेंगे, उनको एक ही प्रश्न करेंगे ये 84 लाख जीवन के बाद में जिस जीवन में तुम भगवान की भक्ति करके प्रभु तक जा सकते थे बताओ कितने भजन किया, और कोई प्रश्न नहीं, एक ही प्रश्न। इसलिए भारत में देखना जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है ना उसको क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, यही बोलते हैं ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा ही बोलते ना कि नहीं। तो जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया तो वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ किया है सब तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा तेरे साथ नहीं जा रहा है, पत्नी रो रो कर दरवाजा तक जाएगी उसका आगे नहीं जाएगी, परिवार शमशान तक जाएंगे फूंक करके वहीं चला जाएंगे। इसलिए मीरा कहती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसलिए जीवन में क्या मिला है, बोले वस्तु अमोलक दीनेर सदा गुरु कृपा करे आपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप सब ये भजन जानते हो, ये मीरा की भजन है, कभी जीवन में मिला क्या तुमको, बोले जितने प्रभु का नाम जप किया वही मिला, और जगह में सब ही खोवायो, भैया जब सबको खोयोगे मिलेगा वही, फिर उसके लिए थोड़ी समय क्यों नहीं देता हूँ। इसलिए सवेरे उठ कर क्या करो, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे बोले सब काम छोड़ करके भजन करो, 1000 काम छोड़ कर काम करो, और करोड़ों काम छोड़ करके भजन करो, करोड़ों काम छोड़ कर भजन करो। इसलिए सवेरे उठ करके क्या करो, माला लेकर के कम से कम ठाकुर को थोड़ी समय दो। देखो आपके एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ये स्टोरी में कल सुनाऊंगा, देखना कौन मेरे को सुना सकता है।
बहुत बढ़िया स्टोरी है, इसको मैं देखूंगा कल, मेरे को जो सुनाएगा उसको इनाम दूंगा। आज मैं किसी भक्तों के घर में गया था, ये कथा सुना रहा था, ध्यान देकर सुना, बहुत अच्छी बात है। बोले एक समय कोई एक बहुत दरिद्र बहुत गरीब व्यक्ति था, वो दर दर भटक रहा था, खाने के लिए कुछ नहीं, पहनने के लिए कुछ नहीं। बहुत बड़ा कोई बिजनेसमैन था, उसने देखा उसको, देखा ये व्यक्ति दर दर भटक रहा है, बड़े दुखी है। बोले बेटा इधर आ, क्या बात है? बोले खाने को नहीं, पहनने का नहीं, कोई भी काम करता हूँ ना होता ही नहीं, सब फेल हो जाता है। उस बिजनेसमैन ने कहा देख बेटा, मैं अपना बिजनेस, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं बिजनेस का तेरे को मैं पार्टनर बना देता हूँ, तू मेरे पार्टनर बन जा। उसको सुन करके बोले सवेरे और कोई नहीं मिला, मैं ही मिल गया हमें मेरे साथ में हंसी दिलाई करने के लिए। बोले बेटा तेरे को झूठ नहीं कहता, सच कह रहा हूँ, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस, आज तू मेरे पार्टनर बन जा। बोले देख बेटा, जो पार्टनर बनोगे ना उसमें जो प्रॉफिट ही होगी 90% तेरा और 10% मेरा, 90% तेरा और 10% मेरा। बोले सवेरे और कोई मिला नहीं, नहीं मिलेगा हंसी दिलाई करने के लिए। बोले तेरे को झूठ नहीं सच कहता हूँ, 90% तेरा और 10% मेरा है। बोले अगर आप ऐसे करोगे ना मैं आपका बड़ा ऋणी रहूंगा, दिन रात बराबर करके अपना बिजनेस करूंगा। बोले ठीक है बेटा, मेरा अपना बिजनेस तेरे को दे दिया, तुम मेरे बिजनेस को करते रहो, लेकिन महीना में तू 10% मेरे को दे देना। बोले आपकी बड़ी मेरे ऊपर में कृपा हुई, अभी एक महीना हो गया, लेकिन वो जो 10% देने के लिए कहा था ना, लेकिन वो 10% देने के लिए आया नहीं। उसने सोचा होगा बिजनेस शायद बहुत बढ़िया चल रहा है, इसलिए ज़्यादा बिजी हो गया, इसलिए आ नहीं पाया। बोले अच्छी काम है, अच्छे तरह से काम करें। लेकिन दूसरे महीना भी हो गई, लेकिन दूसरा महीना देखा कभी नहीं आया। उसने सोचा शायद बिजनेस में लग गया, अच्छी बात है। लेकिन तीसरा महीना हो गया, देखा तभी नहीं आया। जब 6 महीना हो गया तभी नहीं आया, उसने सोचा भैया उसका राम नाम सत्य तो नहीं हो गया, वो अभी तक तो क्यों नहीं आया है, उसका राम नाम सत्य तो नहीं हो गई। तो वो व्यक्ति आया देखने के लिए, भैया वो कर रहे हैं क्या, 10% दिया ही नहीं मेरे को। जब आया देखा सचमुच से बढ़िया काम कर रहा है, दिन रात बराबर आकर के खूब पैसा कमा रहा था। उसने आकर के बोला भैया मेरे को पहचानते हो? बोले आप कौन हो? बोले मेरे को भूल गया क्या? अरे मैं तेरे को अपना बिजनेस दिया था ना। बोले हाँ आप वही हो? बोले हाँ मैं तो वही हूँ। उसने कहा भैया मैंने कहा था मेरे को 10% देने के लिए, और तू 90% तू अपना पास में रख, और मैंने कहा था 10% देने के लिए, लेकिन अभी तक तो तू मेरे को देने के लिए आया ही नहीं। देखो वो व्यक्ति क्या कहता है। बोले किस चीज़ की 10% है, किस चीज़ की 10% है? काम करूँगा मैं, कमाऊँगा मैं, परिश्रम करूँगा मैं, और आपको मैं 10% किस चीज़ की 10%? उसने तो सुन करके प्यार के पीछे जमीन ही अलग हो गया। बोले क्या ये क्या बोल रहा है, मैं अपना सारे बिजनेस उसको दे दिया, पहले दर दर भटक रहा था, खाने को पहनने को नहीं, अभी बढ़िया मकान बना दिया, करोड़पति बन गया, वो कहता है कौन किस चीज़ की 10% है? आप लोग ये बताओ जो व्यक्ति ऐसे बोलेगा आप उसको क्या बोलोगे? बोलो जो व्यक्ति ऐसे बोलेगा उसको उसको हम क्या बोल सकते हैं? जोर से बोला, पीछे लोग कोई बोल नहीं रहे, बता माताएं क्या ऐसे व्यक्ति का हम क्या बोल सकते हो? अरे जोर से बोला, बेईमान नमक हराम उसको बोलेंगे ना, बेईमान नमक हराम उसको बोलेंगे। देखो ये कथा को अच्छे तरह से दिमाग में बैठाओ, बताओ ये दुनिया किसकी है, बताओ दुनिया किसकी है? भगवान। ये मानव शरीर हमें किसने दिया? भगवान। दुकान मकान हमें किसने दिया? भगवान। सबने भगवान ने दिया ना, तुम्हें ये बिजनेस किसने दिया है? भगवान। ये बुद्धि तुम्हें कोई इतने इंटेलिजेंट किसने दिया है? भगवान। उसने हमें सब कुछ दिया है ना, सब कुछ उसने दिया है ना, इसलिए जिसने तुम्हें ये सब कुछ दिया है भैया उसको 10% देनी चाहिए कि नहीं, उसको 10% देनी चाहिए कि नहीं? अगर जो व्यक्ति उसे 10% नहीं देते हैं फिर हम उसको क्या बोलेंगे? देखो ये सूरदास का पद है, कहते जिन्नी तनु दही, हिंदी समझते हो कि नहीं?
बोले जिनी तनु दही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी कते मौसम कोन कुटिलक हलकामी। ये सूरदास का बदाय, जिसने तुमने दुनिया दिया, संसार दिया, ये मानव शरीर तुमको दिया, कते जिनी तनु दही ताही बिसराई, तुमने उसे ही भूल कर बैठी गए। इसलिए कहते मौसम कोन कुटिलक हलकामी। बताओ, इसलिए भगवान हमें 24 घंटा 24 आवर्स दिया है, 26 घंटा दिया है। ये 26 घंटा में अगर 10% निकालोगे तो कितना, 26 घंटा में अगर 10% होता है बताओ कितना समय होगा 10%, बताओ बोलो कितने परसेंट। अगर 10% होगा तो 26 घंटा में कितना समय होता है, जोर से बोला, 2 घंटा 40 मिनट होता है, 2 घंटा 40 मिनट होता है। भैया जिसने सब कुछ दिया उसके लिए थोड़ी समय की हम नहीं दे सकते हैं, बताओ थोड़ी समय देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन देते हैं कि नहीं, देते हैं कि नहीं। हाँ, इसलिए देखो और एक चीज समझो, और ये अच्छी चीज समझो, आप बुरा, हमें कोई बुरा नहीं मानना, ठीक है, मैं तो समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। हम संसार में 24 घंटा जो करते हैं ना, दूसरों को सुख देने के लिए, अपना लिए कुछ नहीं करते। पत्नी को कैसे सुख दे, बच्चे को कैसे सुख दे, पति को कैसे सुख दे, सास को कैसे सुख दे, पिता को कैसे सुख दे, ससुर को कैसे सुख दे, इसलिए करते कि नहीं, इसलिए तो करते हैं। आप बताओ अभी संसार में आपको ऊपर में कोई खुश है, एक व्यक्ति मेरे को बोल दो संसार में हमारी ऊपर में सब खुश है। देखना सबके सबके सब आपको ऊपर में नाराज होते होंगे, किसी को भी संसार में आप खुश नहीं कर सकते। आ किसकी सेवा जिंदगी भर करो ना, थोड़ी सी अगर भूल चुक हो गया ना, वो जिंदगी भर का देखेगा नहीं, वो झट बोलेगा तुम मेरे लिए क्या किया, एकदम झट तुम मेरे लिए क्या किए हो। इसलिए गोस्वामी, इसलिए तुलसीदास जी कहते भैया भगवान के लिए थोड़ी समय दो। सुदामा दो मुठ चिड़वा दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी त्रिभुवन का राज्य दे दिया, भगवान की अंगुल कट गई। द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके अंगुल को बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे हैं भैया इसका ऋणी कब उतारे, कब मौका मेरे को मिले इसकी ऋणी कब उतारेंगे, कब इसकी ऋणी उतारेंगे। भरी सभा में लाज जा रही थी, भरी सभा में लाज जा रही थी। पहले द्रौपदी बड़ी डीग हांकती थी, वो डीग क्या हांकती थी, मेरे 5 पति है, ये क्या कर लेगा दुशासन। लेकिन दुशासन जब घिसड़ करके भरी सभा में ले आए, द्रौपदी चारों तरफ में देख रही है, मेरे को मदद करो, 5 पति जिनकी, सर्वश्रेष्ठ दाढ़ीधारी, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, सर्वश्रेष्ठ भालाधारी, लेकिन चुप, कोई भी मदद नहीं करने के लिए आए। फिर उन्होंने देखा उनकी पितामह के तरफ में, भीष्म के तरफ में, धृतराष्ट्र का तरफ में, कुरुकुल के तरफ में सबके सब नीचा कर दिया, मैं कोई भी उसी समय में उसको कोई भी बचाने के लिए नहीं आई। द्रौपदी यहाँ शिक्षा देती है, देखो ये कह रही है उसकी पुत्र वधु उत्तरा को कह रही, बोले उत्तरा ये मेरी आजमाया हुआ मेरी बात है, ये मेरी अनुभूति की बात है, शरण लेना है ना तो बोले बांके बिहार जी की शरण लो। पहले मैं बड़ी डीग हांकी करती थी, मेरे 5 पति, मेरा दुनिया में ये, लेकिन जब विपत्ति आई कोई भी मदद करने वाले नहीं आए। लेकिन जब मैंने हाथ उठा करके हे गोविंद राग शरण आप तो जीवन हरी, जब दोनों हाथ उठाते हुए ऊपर मैंने उठाया, वही बांके बिहारी वस्त्र रूप में स्वयं प्रकट हो गए। इसलिए शरण लेना तो ठाकुर का शरण लो, समय दो तो ठाकुर के लिए समय दो। यही समय जितना हम भगवान की भजन में समय दोगे ना, वही चीज देखना अंतिम समय में वही काम आएगा, वही धन ही साथ में जाएगा। इसलिए क्या करनी चाहिए बताओ, 10% दोगे, कौन कौन 10% देने के लिए तैयारी हो बताओ, कौन 10% देने के लिए तैयारी हो। बहुत अच्छी बात, यहाँ के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, इसलिए सवेरे उठ करके थोड़ी समय उनके ठाकुर को सेवा पूजा करो, थोड़ा हरिनाम करो, ठीक है ना, माला जप करो। इसलिए इनकी पहला प्रश्न था, सोनकाद ऋषियों का पहला प्रश्न था, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। श्री सुतो गोस्वामी इसको उत्तर देते हैं, देखो आत्मा को शांति तभी मिलेगी, बोले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रदोत्सजे आहाय तुकी अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति।
कहते आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब ये आत्मा परमात्मा की शरण में जाएगी। भगवान की जब भक्ति करेगा, भगवान की जब निष्काम होकर के ठाकुर जी को प्रेम करेगा, तभी ये आत्मा को परम शांति मिलेगी। हैं, इसलिए अगर कोई शांति पाना चाहते हैं, भगवान की शरण में जाए, ठाकुर जी की शरण में जाए। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, बोले तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत् प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अगर जीवन में परम शांति पाना चाहते हो मेरे शरण में। क्यों? जगत में जितने जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है। चेतन अमल सहज सुखराशी, हम सब ठाकुर की संतान हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। इसलिए कहते हैं तुमेव माता च, बोलो जोर से, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव तुमेव विद्याम द्रविण, तुमेव तुमेव सर्वम मम देव। भगवान हमारे पिता माता भाई सब भगवान हैं। इसलिए जब हम उनकी शरण में जाएंगे तभी हमको शांति मिलेगा। अभी जो दूसरा प्रश्न है, उनको पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? बोले भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा। ठाकुर जी को पता है कलयुग में जीव इतना कठोर साधन कर ही नहीं सकता है, इसलिए कलयुग में भगवान सबसे सरल उपाय दिया। बोले क्या सरल उपाय दिया है? बोले कलयुग के बालना माँ आधारा, कलयुग के बालना माँ आधारा, कलयुग के बालना माँ आधारा, कलयुग के इसलिए कलयुग में भगवान बोले ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का नाम जप करो, हाथ में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो। जैसे देखो गोपियां, वो कोई साधु संत नहीं थे, घर में रहती थी, लेकिन घर में जब झाड़ू लगाती थी ना, कहाँ झाड़ू लगा रही हो? बोले ठाकुर का दरबार में। कहाँ लगा रहे हो? ठाकुर जी की मंदिर में। अपना घर को मानो ठाकुर का मंदिर ही है। भगवान सबसे सरल उपाय दिया है, हाथ में झाड़ू लगाओ। जैसे गोपियां हाथ में झाड़ू लगाती थी, मुंह में क्या करती थी? बोले गोविंद दामो दर माधवे, गोविंद दामो दर माधवे, हाथ में सेवा करती थी और मुंह में ठाकुर जी की नाम लेती थी। बच्चों को थपथप लगा कर इधर सुला रही है और उधर क्या कर रही थी? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हो गया क्या? रसोई बना दी है। बोले भैया किसके लिए खाना बना रहे? बोले भगवान की भोग लगेगा, ठाकुर जी की भोग छोंक दे रही है। उसमें जीरा मिर्च का छोंक दिया, लाल हो गया, उसको छोंक हो गया काला। बस उसको देख कर कृष्ण को याद आया, देखा तो काला है, जीरा देखा काला, मिर्च हो गया काली, लेकिन उसको देख करके किसका याद आया? बांके बिहार की याद आया। भैया किसके लिए खाना बना रहे? बोले ठाकुर के लिए खाना बना रहे। काम करो, खूब पैसा कमाओ, पैसा के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन पैसा क्यों कमा रहे हो? पैसा लक्ष्मी, पैसा कौन है? लक्ष्मी किसकी है? हमारी ना नारायण की है, नारायण की। इसलिए हम पैसा कमा रहे हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। बस हो गया, बढ़िया सुंदर स्नान करो, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनो। बोले क्यों? बोले भैया गंदे शरीर से ठाकुर को सेवा कैसे करेंगे? शरीर पवित्र होगा, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे तभी तो ठाकुर को सेवा करेंगे। बस
इसलिए कहते भैया किसी चीज को छोड़ने का जरूरत नहीं, सब कुछ ठाकुर का जगत ठाकुर ने दिया, हर चीज भगवान से जोड़ लो, हर चीज को भगवान के साथ में जोड़ लो, काम ही बन जाएगा, बस काम ही बन गया। लेकिन भैया ये जोड़ने तो चाहिए, लेकिन हमें जोड़ेगा कौन? ये जब तक हम संतों की शरण में नहीं जाएंगे ना, संतों की शरण में फिर हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कह ले बोले बिनु गुरु भवन निधि तरह ही न कोई, जो बिरिंजी शंकर सम हुई। अब ये भाव हृदय में देगा कौन? ये संत लोग ही हृदय में ये भाव हमें प्रदान करेंगे, अपने आप कर नहीं सकती हो। यहाँ से जाओगे ना, गेट से उतरते ही ये पल्लू को झाड़ करके यहाँ सब चले जाएंगे। क्यों? क्यों संतों को साथ में जुड़े ही? भाव हमें देगा कौन? वो देने वाले संत ही है, संत ही देने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, भगवान के नाम की जप करो, यही नाम धन ही साथ में जाने वाले। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल। महाप्रभु कहते हैं भगवान के अनंत नाम, हरि अनंत हरि कथा अनंत, अनंत नाम ठाकुर जी की, कृष्ण गोविंद दामोदर हैं, कितने नाम ठाकुर जी की है। बोले नाम नाम करी बहुधा, फिर निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता, भगवान अपना सारे शक्ति कलयुग में अपने नाम में दे कर रखे। इसलिए बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इस सागर को लग सके ना दिखाएंगे पुल तेरा, बिना तेरा देश सागर को लग सके बिना पुल तेरा, बिना तेरा कूद गए हनुमान उसी को, कूद गए हनुमान उसी को, लेके राम का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। भगवान सारे शक्ति अपने नाम में दे दिया। भगवान राम को अयोध्या लंका जाने के लिए पुल की जरूरत पड़ी, लेकिन हनुमान जी बस जय श्री राम बोल करके उन्होंने समुद्र को पार हो गए। जब पुल बंद रही थी ना, भगवान बैठे बैठे कर देख रहे थे, भगवान को बड़ा आश्चर्य लगा। बोले क्या आश्चर्य लगा? बोले भैया मेरे नाम में कितनी शक्ति, ये पत्थर के ऊपर में राम लिखते हैं और पानी में छोड़ रहे पत्थर तैर रहा है। बोले सीमेंट का काम क्या कर रहा है, एक पत्थर में रा और दूसरे में मां, और रा और मां लिखते हैं अपने आप जुड़ जाते, वो सीमेंट का काम कर रहा था। भगवान बैठ बैठ कर देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बोले भैया मैं भी एक पत्थर उठा करके फेंक करके देखता हूँ, ये पत्थर डूबता ना तैरता है। भगवान ने देखा अगर सबको सामने अगर पत्थर डूब गया ना, फिर तो मेरे नाक कहानी घट जाएगी। बोले आपका नाम को लेकर पत्थर छोड़ रहा है वो तैर रहा है, और भगवान राम स्वयं पत्थर फेंक कर डूब गई। भगवान ने देखा एक एक झाड़ी को अंदर में जा करके फेंक करके देखता हूँ। भगवान वहां पर चले गए छुप करके एक झाड़ी को बीच में बैठे और उठाया एक पत्थर और समुद्र में फेंके, लेकिन तो डूब गई। भगवान तो आश्चर्य में पड़े, भाई ये क्या हो रहा है, मैं स्वयं राम हूँ, अरे मैं पत्थर फेंक रहा हूँ डूब करा क्यों? उन्होंने और भी एक पत्थर उठाया फिर फेंक, वही डूब गया। भगवान राम तो आश्चर्य हो रहे थे। हनुमान जी ने देखा भैया मेरे प्रभु जी कहाँ गए, मेरे प्रभु जी की कहाँ गए, क्योंकि हनुमान कहते दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। बोले मेरे प्रभु जी कहाँ, मेरे प्रभु जी कहाँ। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते आए तो देखा बच्चे जैसे पत्थर उठा कर पानी में फेंकते ना, प्रभु ऐसे बच्चे जैसे पत्थर उठा कर पानी में फेंक रहे। हनुमान ने देखा भैया ये कौन सा नई लीला है। इतने में हनुमान झट प्रकट हो गए, बोले प्रभु ये क्या हो रहा है। भगवान राम बोले तू कहाँ से आ गया,
मैं तो सोच रहा था कोई देख नहीं रहा है, तू कैसे देख लिया? बोले प्रभु ये बताओ, आप बच्चे जैसे पत्थर उठा उठा कर पानी में क्यों फेंक रहे हो? बोले हनुमान जी यही तो बात मेरे समझ में नहीं आ रही है, मैं बड़ा शंका में पड़ गया। बोले प्रभु आप शंका, बोले बताओ, बोले तुम लोग तो मेरे नाम को लिख करके पत्थर को पानी में फेंक रहे हो, वो पत्थर तैर रहा है, अरे मैं स्वयं राम हूँ, अब पत्थर उठाकर फेंक रहा हूँ, ये डूब रहा है। हनुमान जी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोले तो सीधी सी बात, बोले सीधी सी बात मतलब, बोले प्रभु वो पत्थर क्यों तैर रहा है? चूंकि आपका नाम का आश्रय लिया, आपका नाम को आश्रय लिया वो पत्थर है, तभी तो पानी में तैर रहा है। बोले पत्थर डूबता क्यों? बोले आप स्वयं विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक हो, दुनिया का जो मालिक, अगर आप किसी चीज को उठाओ और फेंको, फेंकना मतलब क्या, आप उसको त्याग दे दिया, आप उसको छोड़ दिया। अगर आप किसको त्याग दोगे, अगर आप कोई आप किसको छोड़ दोगे स्वयं भगवान, बताओ प्रभु वो कभी तैर सकता है? वो कभी तैर सकता है? तो डूब ही जाएगा, इसलिए डूब रहा है। बोले ओ ये बात है, बोले है इसलिए यही बात है। इसलिए भगवान कहते हैं अपना, भगवान सारे शक्ति अपना नाम में दिया है। फिर बोले नियमित स्मरण न काल, भगवान ये नहीं बताए, देखो बेटा जब पवित्र अवस्था में हो ना तभी तुम मेरे नाम लो, जब अपवित्र अवस्था हो नहीं ले सकते, भगवान ये भी नहीं बताए। किसी अवस्था में पवित्र अपवित्र दोनों अवस्था में मेरे नाम को ले सकते हो। इसलिए गुरु जी कथा सुनाते थे, कोई एक तेली था, वो दिन भर तेल निकालता था, हाँ बेल होता है ना, उसको हट 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 करके उसको घुमाया करता था। एक दिन नारद जी मिले, बोले क्यों तेली जी, दिन भर तू पैसा 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 कमाने में लगे हो, ये पैसा अंतिम समय में तेरे साथ में जाएगा थोड़ी, सब तो छोड़ करके जाओगे, अरे थोड़ी भगवान का नाम तो जप करो। बोले नारद जी मेरे पास में समय कहाँ भजन करने का? बोले समय नहीं है तेरे पास में? बोले है नहीं। बोले थोड़ी समय तो होगा ना तेरे पास में? बोले हाँ समय तो है, लेकिन जब मैं शौचो क्रिया में बैठता हूँ केवल उसी समय में केवल मैं फ्री रहता हूँ, नहीं तो अब मैं फ्री रहता ही नहीं। बोले भैया उसी समय में भी थोड़ा नाम ले लिया करो। बोले अपवित्र अवस्था में? बोले भगवान क्या बताए, अपवित्र अवस्था में कर ही नहीं सकते। बोले ठीक है, अभी वो तली गया, जब शौच क्रिया में बैठा, बैठ करके उन्होंने बताया था प्रभु का नाम लेने के लिए, बस नाम करना शुरू कर दिया। बोले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राम सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति अभी कहते जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन। गोस्वामी जी कहते हैं जहाँ जहाँ प्रभु राम जी कीर्तन हो, हनुमान जी उतना रूप धारण करते हुए वहां पर पहुंचते हैं। हनुमान जी ने सोचा भैया मेरा कोई गुरु भाई शायद प्रभु का नाम ले रहा है, हनुमान जी उड़ते हुए बस हनुमान जी पहुंच गए। हनुमान जी पहुंच करके देखा वो तेली दिन भर तो पैसा कमाने में लगा हुआ और बैठा पैखाना करने के लिए बैठा रघुपति राघव। बोले दुष्ट, दिन भर पैसा पैसा कमाने में लगे हो, हैं अभी और शौच क्रिया में बैठे रघुपति राघव राजा राम, और तेरे को कहीं समय नहीं मिला? हनुमान जी एक लात जोर से मारे, लेकिन वो व्यक्ति इधर उधर होकर फिर चुप कर बैठ गया। हनुमान जी को समझे में नहीं आया, कहते भैया मेरे एक मुक्के रावण जैसे व्यक्ति एक मुक्के को सहन नहीं कर सकता। हनुमान जी कौन है? वो स्वयं शंकर जी है, लेकिन इसको मैं इतने जोर से लात मारी और इधर उधर होकर फिर बैठ गया। अभी शाम का समय में प्रभु राम की चरण की सेवा के लिए जब पहुंचा, भगवान राम तो बिस्तरा में छटपट कर रहे थे, आ ओ आ। बोले प्रभु ये क्या हो गया? लगता है शरीर में बड़ा पीड़ा है।
बोले हाँ हनुमान जी। बोले कैसे हो गया? बोले एक बहुत बड़ा बंदर ने लात मार दी। बोले बंदर ने लात मारी? इस कितना कौन सा बंदर बताओ? ये पृथ्वी का बंदर सुनना कर दूंगा, किसकी इतनी हिम्मत है मेरे प्रभु को लात मारी। बोले प्रभु उसका नाम बताओ। बोले उसका नाम नहीं बताया जाएगा। बोले प्रभु बताओ ना। बोले उसका नाम वीर हनुमान। बोले मैं? बोले मैंने आपकी लात मारी? बोले हनुमान तेरे जैसे एक मुष्टि का घात वो रावण जैसे व्यक्ति सह नहीं सका, लेकिन वो तेली जब मेरे नाम कर रहा था, तुमने जब उसको लात मारी, उसको कुछ हुआ? बोले प्रभु मैं तो यही सोचा, इधर उधर अगर चुप बैठ गया। बोले हनुमान मैं और मेरे नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है। मैं स्वयं नाम रूप में विद्यमान था, जब तुमने लात मारी ना मेरे पीठ में लगा। हनुमान तो कान पकड़ लिया, प्रभु मेरे तो गलती हो गई, मेरे भूल हो गई, कभी ऐसे भूल नहीं करूंगा, माफी मांग। इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नियमित स्मरण न काल, भगवान कोई पाबंदी नहीं रखे, कभी भी प्रभु का नाम कर सकते हो। देखो ध्यान देकर सुनो भगवान लास्ट में क्या कहते हैं। बोले कलियुग में मैंने इतना सरल उपाय कर दिया, लेकिन ये कलियुग का जीव तभी मेरा नाम नहीं लेता, तभी वो भगवान के नाम जप नहीं करता है। समय मिलेगा तो इधर उधर बात में गमाएगा, लेकिन प्रभु का नाम नहीं जप करता है, फिर तुम्हें शांति सुख मिलेगा जैसे? भगवान ने इतना सरल उपाय रखा है। इसलिए क्या करो, सवेरे उठ करके थोड़ी समय भगवान को दो, थोड़ी समय क्या करो ठाकुर जी को, थोड़ी समय ठाकुर को दिया करो जरूर। देखो बोले जो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करते हैं ना, देख कल मैं प्रश्न करूंगा, देखूंगा मेरे को कौन उत्तर दे सकता है। कहते जो व्यक्ति भगवान के नाम जप करते हैं उनका तीन काम अपने आप हो जाता है। कितना काम हो जाता है जोर से बोला, मैं कल सुनूंगा तीन काम क्या है, ये संत कह रहे हैं। बोले पहला काम है नरक में जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाते हैं। आपको पता है चित्रगुप्त होता है कौन? ये चित्रगुप्त कौन है? जो हमारे सारे पाप और पुण्य को जो सबके सबको कापी में लिखता है। चित्रगुप्त मतलब क्या? चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुपा करके। अगर कोई व्यक्ति सोचे 10 मंजिली के ऊपर में चारी तरफ में दरवाजा बंद है, मैं क्या कर रहा हूँ, उनको क्या पता है? भैया दिन में ये सूर्य का किरण सब जगह पर, ये सूर्य इसकी प्रमाण है। रात को ये चंद्रमा इसकी प्रमाण है, ये चंद्रमा सब जगह में। और जो 10 दिशाएं है ना, जो 10 दिशाएं हैं ये साथी है। कोई चीज को हम छुपा करके नहीं कर सकते। जो कुछ कर रहे हैं अंतिम समय में जब डायरी खोलेगा ना सब निकलेगा, इसलिए उनका नाम चित्रगुप्त। लेकिन देखो प्रभु नाम करने का कितना पुण्य है, ये चीज को समझो। ये चित्रगुप्त को जब स्वयं कहते हैं बोले डायरी ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति हरि नाम कर रहे, इसका नाम काट दो, इसका नाम यहां से काट दो, ये और नरक नहीं आएगा। क्यों? ये ठाकुर का नाम जप कर रहा है, इतने महिमा प्रभु का नाम लेने पर। इसलिए अंतिम समय में कहते राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कई बार झूठा है, केवल प्रभु का नाम ही साथ में जाता, इतने महिमा। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम किया, बोले राधा रानी अपना सखी को कहती, बोले रजिस्टर ले आओ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम लिख दो रजिस्टर में, इसका नाम लिख दो। बोले क्यों? बोले ये ठाकुर का नाम जब कर रहा है वो सीधा गोलोक वृंदावन में, मेरी सखी बन करके गोलोक वृंदावन में उसको स्थान मिलेगी। राधा रानी कहती इसका नाम को लिख लो। दूसरा काम हो गया। बोले तीसरा काम क्या है? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाते, बोले क्यों? बोले वो व्यक्ति ठाकुर का नाम ले रहा है ना, जब वो भूर भूभ मोह जन तप सत्य को पार करते हुए जब वैकुंठ जाएगा, ब्रह्म लोक को पार करेगा, उसको मैं बीच में आरती उतारूंगा, उसको मैं बीच में आरती उतारूंगा। कहते इतने महिमा जो प्रभु का नाम जब करते हैं, इतने महिमा। और भगवान खुद क्या कहते हैं? बोले ये हरि नाम कौन कर सकता है? बोले चार व्यक्ति ठाकुर का नाम कर सकते हैं। जिसने पूर्व जन्म में चार काम करके आए ना, वही ठाकुर का नाम ले सकते हैं। बोले भैया चार काम किया, ये कपिलदेव अपना माँ को कह रहे हैं भागवत में। बोले अहो बत सपोच अतो गरियान जत जिहाग्र बरतते नाम तुभ्यम।
ये कपिल देव कह रहे हैं, अपना देहूति का कह रहे हैं, जो पहले जन्म में चार काम करके आए वही करेगा नाम। बोले भैया चार काम क्या है? कहते अहो, अहो मतलब होता है जैसे कोई आश्चर्य चीज देखते है ना, हम कहते क्या आश्चर्य, हम कहते ना भैया क्या आश्चर्य चीज है, क्या आश्चर्य है। यहाँ पर भगवान कहते भैया जो केवल जीवा के अग्र में जो भगवान के नाम को लेते हैं, भगवान कहते अहो, वो व्यक्ति कितने महान है जो जीवा के अग्र में ठाकुर का नाम ले रहा है। बोले वो क्या करके आई चार जन्म में चार काम? बोले जितने सारे तपस्या है ये पूर्व जन्म में सारे तपस्या किसने करके आए। दूसरा काम जितने तीर्थाटन पृथ्वी में 6 करोड़ तीर्थ है, कितना है? बोले 6 करोड़ तीर्थ है पूर्व जन्म में, उसने 6 करोड़ तीर्थ करके आया। बोले तीसरा काम क्या किया? बोले पूर्व जन्म में जितने उसने दान है, स्कूल कॉलेज अन्न छत्र जितने दान है पूर्व जन्म में उसने सारे दान करके आया है। बोले चौथा काम, बोले पृथ्वी में जितने यज्ञ अश्वमेध वाजपेय अश्वमेध यज्ञ कर इंद्र बन जाता है, कहते पृथ्वी जितने यज्ञ हैं पूर्व जन्म में उसने सारे यज्ञ करके आया है, तब भी इसी जीवन में ठाकुर का नाम ले रहा है। वही व्यक्ति ठाकुर का नाम ले सकता है, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हो, मैंने कितना खोपड़ी मार रहा हूँ, सवेरे कोई उठकर हरिनाम करेगा? कौन करेगा बताओ सही से? टीवी देखने लग जाएंगे इधर उधर काम से। देखो इतना कष्ट करके मैं कथा सुना रहा हूँ, इसलिए भैया सवेरे उठकर थोड़ा हरिनाम करो, थोड़ा माला जम करो, इसलिए मैं इतना खबरी बता रहा हूँ। इसलिए भगवान की नाम की इतने महिमा, यही जाएगा और कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखा, ठाकुर जी के नाम से ही कल्याण होगा। इसलिए अभी हम कोशिश करेंगे 5 मिनट एक माला जप करने की, ठीक है? कितना मिनट? 5 मिनट एक माला जप करेंगे हम। चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? कौन कौन चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने हो? एक दिन चैतन्य महाप्रभु का भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है। लेकिन भगवान एक चीज शिक्षा देने के लिए बोले देखो मैं सबके घर में खाना नहीं खाता हूँ। बोले प्रभु किसको घर में खाना खाओगे? बोले जो लखपति बनेगा। आज से 550 साल पहले लखपति मतलब होता है जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर हो, कितना? 1 लाख, उस समय सब स्वर्ण मोहर 1-1 रुपया। बोले जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर होगा, भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, आप तो लाख की बात कर रहे हो कि हमारे घर में खाना नहीं खाएंगे। अरे भगवान उनको समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोज आना जो 1 लाख हरिनाम जप करता है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। और जिन जिन ने यह मोती लूटे उसको माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी आखिरी ओ कंगाल हुए। बोले भैया ये धन को किसने लूटे? बोले तुलसी मीरा और नरसिंह। देखो सारा दुनिया में जिनकी जय जयकार हो रही है, सारा दुनिया में जिनकी पूजा हो रही है, लेकिन अभी का जो यंग स्टार है ना, जानते हो इनकी बड़ी तमन्ना किया, हम तो बॉलीवुड में सब हीरो हीरोइन बनेंगे, सब इनकी बड़ी इच्छा, हम सब हीरो हीरोइन बनेंगे। भैया 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी उनका नाम कोई ले रहा है? श्रीदेवी का नाम सुने हो? कौन कौन जानते हो? सब दुनिया जानते हो। बाथरूम में शरीर छोड़ दिए, कब तक इनका नाम रहेगा? आप जितने हीरो हीरोइन है ना, इनका जीवन पढ़ करके देखोगे, गीतांजलि और कोई कोई हीरोइन इनका आप यूट्यूब में खोल कर देखोगे कि कोई किसको तो पागल बनते हुए कहीं रोड में देखा, किसको पागल खाना में भर्ती कर दिए, किसको घर से निकाल दिए, किसने सुइसाइड करके इतने डिप्रेशन आया सुइसाइड करके मरे। आप इनको पूर्व कथा सुनोगे ना, सब ऐसे पागल होकर घूमी सकते। 10-20 साल के बाद में भैया इनका कोई नाम निशाना नहीं रहता है। लेकिन हनुमान जी का नाम सुने हो? कौन कौन हनुमान का नाम जानते हो? आप बताओ तो ये हनुमान जी कब आए थे? आप पता है कितना साल पहले आए थे? ये 20 करोड़ साल पहले। कितना करोड़ साल? 20 करोड़ साल पहले त्रेता युग में प्रभु राम आए, हनुमान तभी आए। देखो हनुमान जी घर घर में पूजा हो रही कि नहीं? आप लोगों ने बिरिया का नाम सुने हो, तुलसीदास का नाम सुने हो, ध्रुव प्रहलाद का नाम जानते हो,
देखो उनका नाम अमर हो गया। ये सत्य युग में आए थे, करोड़ों साल पहले आए, इन घर घर में पूजा हो रही है। भैया अगर हीरो बनना है ना, भगवान की भक्त बनकर के हीरो बन जाओ, देखना जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तुम्हारी पूजा होते रहेगी। जैसे अभी भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी है, जो भी यहाँ के हैं मुख्यमंत्री, ये कब तक इनका नाम रहेगा, जब तक ये पद में, बताओ मनमोहन का नाम कौन ले रहा है, बताओ राजीव गांधी का नाम कौन ले रहा है, कि जितने प्राइम मिनिस्टर के पास पद खत्म है, अभी खत्म है। लेकिन अगर भक्त कोई बनता है ना, इनका नाम निशाना कभी मिटते नहीं। जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक इनकी नाम होगी। हीरो बनना है ना, भगवान की भक्त बनकर के हीरो बनो, इससे बड़ा हीरो जगत में कोई हो नहीं सकते। इनकी नाम के बल अमरत्व जगत में अमर बन जाती, सब मरकर खत्म हो जाती है। फिर दुनिया सृष्टि होगा ना, फिर वही गीता रामायण आएगा, फिर इनकी नाम आएगी, नाम कभी लुप्त नहीं होगा। इसलिए बड़ा बनना तो किस चीज में बड़ा बनो, भगवान की भक्त बनकर के बड़ा बनो। इसलिए महाप्रभु बोले, भैया असली लखपति कौन है, जो भगवान की 100,000 नाम जप करता है। आप मेरे तरफ में देखो, लखपति कैसे बनेंगे। कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे, पहले एक टीवी में आता ना, करोड़पति कौन बनेगा, कौन बनेगा करोड़पति बोलता था ना। इसलिए भगवान कहते हैं कौन बनेगा लखपति। आप लोग देख लो, ये भगवान कहते हैं जैसे माला है, इसमें 108 मोती हैं, 108 मोती। जब ये माला जप करेंगे, अब एक के माला अभी देंगे जप करने के लिए, लेने के लिए नहीं, जप के लिए। जैसे ये अंगुल को बाहर निकालते हैं, बोले क्यों, ये गंदा अंगुल है, ये सबसे पहले निकलता। हम कहते ना तेरे को हम देख लेंगे, ये अहंकार का प्रतीक है, इसलिए उसको हम बाहर निकाल कर रखते हैं। और ये बीच वाले अंगुल को ऊपर भी उसको रखते हैं, रख करके जैसे हरे कृष्णा सब बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती सरकाते हैं। दो बार बोल कर दो मोती सरकाते हैं, देखो लाख कैसे होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार हो गया। एक बार नाम लेने पर 16 बार, इसमें 108 मोती हैं। इसको करते करते जब यहाँ पर समाप्त हो जाए, इसको पार नहीं करते, क्यों, ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, इनको पार नहीं करनी चाहिए। फिर ऐसे हम घुमा देते हैं, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करते हैं। अगर 16 माला ऐसे हो गया ना, 25,000 हो जाता है। अगर 64 माला हो गया ना, 100,000। 64 माला में 100,000, भगवान कहते हैं तुमने 100,000 माला नहीं किया, आज तुम्हारी नाम पर बैंक में 100,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गई। भले भैया इसका ब्याज कितने मिलेगी। मीरा कहती हैं, दिन दिन बढ़ता सब आयो आयो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज अगर 100,000 किया ना, कल आपको 1,25,000 मिलेगी, 4 दिन में 2,00,000, मतलब ये धन इतने बढ़ेगी। और अंतिम समय में यही धन ही साथ में जाएगा, यही तुम्हारी काम में आएगा, ठीक है। हाँ देखो, और एक बात सुना, मैंने कल बताया था सवेरे उठ करके सबको पिता माता की चरण छूना, बताओ तो कौन कौन चरण छुए पिता सवेरे उठ करके, कौन कौन सवेरे उठ कर चरण छुए हो, हाथ उठाओ कौन उठ कर। हाँ देखो भैया, कथा का रंग तो चिकना कुछ चढ़नी चाहिए ना। हम कल बताया था ना, जो सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते हैं, उसको 4 वस्तु प्राप्त होता है। कितना वस्तु मिलता है, और उसका जगत में जस होता है, बल बढ़ता है, विद्या है उसको, विद्या और उसको निरोग। कितना वस्तु बताया, जो सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूगी, उसका लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है, है? इसलिए सवेरे उठ कर क्या करना। फिर मैं कल पूछूंगा कौन कौन सवेरे उठ करके अपना पिता माता की चरण छुए हो, ठीक है। और जितने माताएं, अगर तुम्हारे घर में सास ससुर होएगा, और जो तो सास ससुर उनको कोई है नहीं, आप लोग तो अपना ठाकुर को प्रणाम करना। लेकिन जितने बहुएं हैं, देखो जितने बहुएं हैं क्या करना, सवेरे उठ करके अपना पिता माता की, नहीं तो अपना सास ससुर की चरण छुनी चाहिए। देखो एक संत कह रहे थे, मानो किसके 2 बेटे नहीं तो 3 बेटे, 3 बेटों का 3 बहुए, जो बहू जितना पिता माता की सेवा करेगा, सास ससुर की सेवा करेगी, हैं, जब सास ससुर की चरण छुएगी, घर का जितने धन दौलत सोना चांदी किसको पास में रहता है,
सास के पास में, सास के पास में रहती है ना, जब संपत्ति बंटवारा होगी, माने तीन बहू तीन बंटवारा होगी, जो बहू ज्यादा सेवा करती है सास को, बता बंटवारा समय क्या करेगी, वो पहले कुछ सोना चांदी उठा करके बहू को गड़ा देगी, बोले तू इतना सेवा की इसको छुपा कर रख ले, अभी घर में बंटवारा होने वाली है, देखी कि नहीं। इसलिए भैया लाभ ही लाभ है हर तरह से। और एक चीज समझो, जितने बहुएं हैं ना, सास ससुरों की सास ससुर मत समझो, उनको अपना पिता माता समझो। और जो सास ससुर है अपना बहू को बहू नहीं समझे, उनको अपना बेटी समझे, फिर देखना घर में कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। लेकिन हम क्या करते हैं ना, बहू को बहू नहीं मान करके, मान घर में कोई नौकरा नहीं आ गई, यही तो ऐसे नहीं समझ चाहिए। इसलिए बहू को अपना बेटी समझो, बेटियां जो बहुएं अपना सास ससुर को अपना पिता माता समझे, बात झगड़ा सारी खत्म हो जाएगी। फिर घर में राम जैसे बेटा हो और बहू जैसे सीता हो और घर में गीता हो रामायण हो, बस वही घर ही अयोध्या है। अयोध्या मतलब क्या, जहाँ पर युद्ध नहीं होता है। अवध मतलब जहाँ पर ही बद किसको होता ही नहीं, कोई मरते नहीं, बस वो घर भगवान की धाम है। जिस घर में प्यार प्रेम प्रीति ममता, वही घर तो भगवान की धाम है, ठीक है ना। इसलिए सभी अपना गुरुजनों को आदर देना, गुरुजनों को आदर देने से भगवान की कृपा और भगवान की भक्ति मिलती है। और भगवान की भजन करो और सबके साथ शांति और सुख में रहो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। माला कहाँ है, माला उतना है ना, कोई कोई व्यक्ति है ये माला लेकर सबको पकड़ा दो। देखो हमारे पास में तो इतना माला है ही नहीं, लेकिन आप लोग है ना, जब हम हरिनाम करेंगे सब लोग हमारी साथ साथ में करो, करने पर आपको सब फल मिल जाएगी। देखो माना यहाँ पर कितने भक्त लोग हैं, 300-400 भक्त लोग बैठे हुए, लेकिन आप लोग तो माला एक करोगे, लेकिन फल कितना फल मिलेगा, 400 माला करने का फल मिलेगा। क्यों, जब सबके सब हरिनाम करेंगे सभी का आवाज सभी की कान हो जाएगी। माला तो एक करेंगे लेकिन फल मिलेगा 400 माला करने का फल मिलेगा। इसलिए सबके सब जोर जोर से हरिनाम करना मेरे साथ में। और ये हरिनाम की ध्वनि जितना दूर तक जाएगी, उतना दूर तक जितने दुख कष्ट जितने पाप सबके सब खत्म हो जाएगी। इसलिए सबके सब जोर जोर से हरिनाम करना। और ये माला कोई लेना नहीं मेरे को वापस देना, ये माला कोई लेना नहीं, ये माला मेरे को वापस देना है। और जो लेना चाहोगे मैं बाद में दूंगा, अभी सबके सब वापस दे देना। फटाफट बांटो माता है, माला को फटाफट फटाफट दे दो। सबके सब आंख बंद कर लो, समझो हम वृंदावन में श्री बांके बिहार जी के चरणों में बैठ कर हरिनाम कर रहे हैं। हाँ, सबके सब आंख बंद करके वृंदावन में सबके सब चलो, बांके बिहार जी के चरणों में सबके सब चलो। और बैठे तो हापुर में, लेकिन मन मन में वृंदावन में चलो, ठीक है। दे दिया सबको, माला अभी सबके पास में। हरे कृष्णा, सबके सब हमारी साथ साथ में जपा करो, ठीक है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो जो हरिनाम करेगा उसको पाप तो ऊपर उड़ जाएगी, लेकिन उड़ करके जाकर बैठेगा कहाँ पर, जो हरिनाम नहीं करेगा। इसलिए ऐसे नहीं मत समझो माला नहीं दिया और चुपचाप बैठ जाओ, नहीं, सबके सब मेरे साथ में करो, ठीक है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare हरे कृष्ण माला खत्म हो गई सब इसमें माला वापस दे दो कोई लेना नहीं पाप लगेगा
कोई लेना नहीं माला को, सब इकट्ठ कर लो माला को, सब खड़े होकर के प्रभु बोलो कोई प्रसाद दिया ना, इनका नाम बोलो। श्री राधे, जो आज के जो भागवत में प्रसाद की व्यवस्था की है, श्री सर्व हेतु युवा सेवा समिति हापुर, ये जो युवा मंडल है, सर्व हेतु युवा मंडल सेवा समिति, इन्होंने आज की भागवत भगवान की प्रसाद की व्यवस्था की। एक बार जोरदार तालियों से सभी युवा मंडल का आप स्वागत करेंगे। ठाकुर जी इन सबको ऊपर में कृपा करें, आशीर्वाद दे, ये जीवन में शांति और सुख में रहे। प्रभु जी आरती, प्रभु जी ठीक है आरती बाद में, अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे, सबके सब खड़े हो जाओ और भजन में सबको नाचना है, सब सबको सामने रखो। तेरे नाम की ओर चुन लिया, ये तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी है हो गई मेरी सहरिया की प्यार, ऐसी हाल हो गई मेरी सहरिया की प्यार। Yeah.
की दिखाए कोई भले लगाए कोई भले लगाए सुखी जाओ कभी सुखी मेरी मिलती सुखी दुखी आता जाए सुखी दुखी आता जाए किसी में सुखर खुशी नहीं है बन भी रही है आज में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के पास मेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूंगी बता ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के पास ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के गोपियां और थोड़ा गोप नाच रही और पीछे जैसे को जैसे खड़े हो देखो ये भागवत में एक श्लोक आया है ये द्वितीय स्कंध का श्लोक है ध्यान देकर सुना कहते ध्रुव जन्म भाग्य ध्रुव मतलब होता है वृक्ष कहते ये सब पेड़ क्यों हुए हैं इनको ये पेड़ जन्म क्यों मिला ये भागवत कहता है बोले भगवान इनको तो इंसान का जीवन दिया था
लेकिन ये तो शादी बिया में तो पीट पी कर खूब नाचे, उल्टा पुल्टा चीज में खूब नाचे, लेकिन जो भगवान की भजन कीर्तन हो ना, वो पेड़ जैसे एक जगह पर खड़े हैं। बोले तो पेड़ जैसे एक जगह पर खड़े हुए ना मेरे भजन में, अगले जीवन में पेड़ बनकर रही हो। इसलिए भागवत का श्लोक है ध्रुव जन्मो, इसलिए भगवान उसको पेड़ जन्म दे दिया और एक जगह पर खड़ा हुआ है। इसलिए भगवान का भजन में कीर्तन करने का नाचने का बड़ा महत्व बताया। जो जितने अच्छे तरह से नाचेगा भगवान के भजन में, उसको क्या होगा, संसार में जो नाच रहे हो ना, पति को सामने, पत्नी को सामने, बच्चों को सामने, बहू को सामने, सास को सामने, पैसा को सामने, और जो 84 लाख जन्म में जो नाच रहे हो ना, वो सारे नाचना तुम्हारी बंद हो जाएगी। अगर भगवान की भजन में नहीं नाचोगे, फिर दुनिया को सामने नाचोगे मेरे, अभी सोच लो किसमें नाचोगे। इसे सबके सब हाथ उठा सके I'm gonna make you mine.
Tere shi 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 sh